আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সলাতু ওয়া সালাম আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আহলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আম্মা বাদ, মা আপ সবকা ইস্তিকবাল করতা হুম হামারে প্রোগ্রাম ফর্মুলাস ফর সাকসেস মে। হাম আজ এক এসা টপিক দেখনে ওয়ালে হ্যায় জো কিসি ভি ইনসান কে লিয়ে বহুত বেহদ ইম্পর্টেন্ট হ্যায়, জরুরি হ্যায়। আর ইয়ে মে হর টপিক কে লিয়ে নাহি বোলতা হুম, লেকিন ইয়ে টপিক এক বহুত হি ইম্পর্টেন্ট টপিক হ্যায়। ये टॉपिक वो टॉपिक है जो हम में से एक एक से ताल्लुक रखता है, और वो है हाउ टू स्टॉप एनी बैड हैबिट। किसी भी बैड हैबिट को हम कैसे रोकें, ये हमारा टॉपिक है। बैड हैबिट्स की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। क्या प्रॉब्लम होता है आप बता सकते हैं? बैड हैबिट से क्या होता है भाई? कोई बैड हैबिट तो सबकी होती है ऐसा लोग बोलते हैं, हाँ, लेकिन बैड हैबिट से क्या प्रॉब्लम होता है बताइए? फैमिली रिलेशंस बिगड़ते हैं। डिपेंड्स कौन सी बैड हैबिट है। बैड हैबिट्स अलग अलग टाइप की होती हैं। देखिए इसमें क्या मामला है कि कोई चीज़ वो है जो एक बार आदमी से गलती हो गई, लेकिन जैसे कि हम वर्ड हैबिट यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि कंसिस्टेंटली वो चीज़ रिकॉर्ड में है, मतलब वो ऑन गोइंग बेसिस पे है, वो रिकॉर्ड के अंदर वो कंटिन्यूस चीज़ है। इस वजह से ये एक हैवी वेट इन्फ्लुएंस होती है उसके अकाउंट में। किस एतबार से? कि उसका अकाउंट ऑफ स्केल है ऑफ डीड्स, तो उसके अंदर ये एक बहुत ही हैवी वेट इन्फ्लुएंस है। ये बहुत ज़रूरी बात है। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि हैबिट्स अलग अलग तरह की होती है। कोई हैबिट होती है जो टोटली नाजायज़ और गलत, जैसे मिसाल के तौर पर सिगरेट, या जैसे मिसाल के तौर पर शराब, या ऐसी कोई चीज़ जो टोटली गलत है। लेकिन कभी कोई चीज़ ऐसी भी होती है जो सही होती है लेकिन ज़्यादा होने की वजह से गलत हो जाती है। मिसाल देंगे आप, हाँ, कोई चीज़ सही होती है कम क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में करो तो गलत हो जाती है। मिसाल देंगे आप, ओवर ईटिंग, ईटिंग ओवर स्लीपिंग। सोना खाना ज़रूरत है ज़िंदगी की, बहुत ज़्यादा खाना प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सोना प्रॉब्लम है, और अगर हैबिट हो तो कंटिन्यूस प्रॉब्लम है। हाँ, तो हम ये देखते हैं कि इस तरह से अलग अलग कुछ चीज़ें होती हैं जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी से कनेक्टेड होती है। हैबिट्स, कुछ हैबिट्स होती है जो ज़ुबान से कनेक्टेड होती है, जैसे गीबत करना, किसी की बुराई पीछे करना, गाली देने की हैबिट्स होती है कुछ लोगों की, तो ये कुछ ज़ुबान से रिलेटेड हैबिट्स, झूठ बोलना, झूठ बोलने की हैबिट होती है। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैं झूठ क्यों बोलूं, झूठ क्यों बोलूं, मतलब क्या मालूम है आपको? मतलब अगर उनके पास रीज़न हो ना बोलने का झूठ, तो वो बोलेंगे। अभी बोले इसमें झूठ क्यों बोलूं, इसमें क्यों झूठ बोलूं। और कुछ लोग होते हैं जो झूठ बोलने का रीज़न हो ना रीज़न हो, उनकी आदत बन जाती है झूठ बोलना, उनकी ज़ुबान से झूठ निकलते हैं, उनकी आदत होती है झूठ बोलना। तो ये कभी एक पार्ट ऑफ द बॉडी यानी टंग से कनेक्टेड है, कभी कहीं ऐसी चीज़ होती है जो माउथ से कनेक्टेड है, कोई गलत चीज़ खाना, कोई चीज़ ऐसी होती है जो हाथ से कनेक्टेड है, किसी को ट्रबल करना, कान से कनेक्टेड है, कोई गलत चीज़ सुनना, और आँखों से कनेक्टेड है, कोई गलत चीज़ देखना। तो हैबिट्स अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी से कनेक्टेड होते हैं, और हैबिट्स को ओवरकम करने के लिए हमारा फॉर्मूला है प्रेशर। प्रेशर के अंदर PRESS, कुछ मिसिंग है, यू मिसिंग है। क्यों? क्योंकि इतना प्रेशर है कि यू नहीं है वहाँ पे। हाँ, प्रेशर इतना ज़्यादा है इसमें, सब्जेक्ट में, कि ये प्रेशर के साथ ही ये सारी बैड हैबिट्स को ओवरकम कर सकते हैं। बैड हैबिट्स ओवरकम करने के लिए ये प्रेशर ज़रूरी है। तो हम ये फॉर्मूला देखने वाले हैं, और इसके अंदर हम सारे कॉम्प्रीहेंसिव तौर पर बैड हैबिट्स के ताल्लुक से देखेंगे कि बैड हैबिट्स को हम कैसे ओवरकम करें। ये बैड हैबिट्स अलग अलग फॉर्म में, कभी कभार बहुत डिस्ट्रक्टिव फॉर्म्स होते हैं, कभी कभार ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक इंसान के करियर को डिस्ट्रॉय करती है, उसकी फैमिली लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है, उसके बिजनेस को डिस्ट्रॉय करती है, उसकी दुनिया को डिस्ट्रॉय करती है, उसकी आखिरत को डिस्ट्रॉय करती है। तो हैबिट्स अलग अलग तरह की होती है, कई बार बहुत डेंजरस होती है। और हैबिट्स का क्या मामला है ना कि इंसान का माइंड ऐसा बनाया गया है कि हमारा माइंड हैबिट्स कबूल करता है, हमारा माइंड हैबिचुअल बनता है, और ये हैबिचुअल बनने की जो आदत है पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, हमारे फेवर में भी हो सकती है और हमारे अगेंस्ट भी हो सकती है। अगर हम उसे सही यूज़ ना कर पाएं तो हम अपना खुद का बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। तो ये वजह से इसे ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ बातें इशारतन बोल रहा हूँ। आज हम देखते हैं यंग जनरेशन में बहुत सारे रॉन्ग हैबिट्स पाई जा रही है, बहुत सारी गलत चीज़ें हैं। आज हम देखते हैं इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी की वजह से जो कई चीज़ें करना बहुत मुश्किल हुआ करता था, आज वो गलत काम करना बहुत ईजी होने लगा है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी की वजह से। तो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को ओवरकम करें, वो प्रेशर क्रिएट करके इन हैबिट्स को ओवरकम करें। अब देखिए,
मैं इस सब्जेक्ट को एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस फॉर्मूला के अंदर अंदर डील करने वाला हूँ, लेकिन फैक्ट ये है कि मैं इसके अंदर हैबिट फॉर्म कैसे होती है, उसको ओवरकम कैसा करें, उसके सारे मटेरियल में डायरेक्टली जा सकता हूँ, बट आई नो कि वो चीज सिर्फ इन इटसेल्फ नहीं काम करती है। ये ऐसी बात है जैसे गाड़ी है, लेकिन गाड़ी के अंदर वो ड्राइव, वो पेट्रोल, वो ड्राइवर, वो सब होना चाहिए, तब जाके वो गाड़ी कहीं पहुंचेगी। खाली गाड़ी देने से कुछ मतलब नहीं होगा। तो मैं आपको वो टूल्स देना चाहता हूं, बट मैं होल्ड करूंगा वो टूल्स को। हमारे फर्स्ट दो पॉइंट उसके रियल फाउंडेशन पर है, रियल बेसिस पर है। वो रियल बेसिस पर जाना बहुत जरूरी है कि आखिर में ये बैड हैबिट्स आकर जो परसिस्ट होती है उसको कोई कैसे ओवरकम करे, हाउ कैन समबडी कम आउट ऑफ दोज बैड हैबिट्स। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज ये है कि लोगों को अपने जिंदगी का पर्पस नहीं मालूम है। जब जिंदगी का पर्पस नहीं मालूम होता है तो यह होता है कि एक इंसान जो चीज उसके अंदर आ गई उसमें से बाहर निकलना इट्स वेरी डिफिकल्ट। जिंदगी का पर्पस उसके साथ होना बहुत जरूरी, उसकी आंखों के सामने होना बहुत जरूरी। वो दुनिया में कर क्या रहा है? अगर दुनिया में कर क्या रहा है उसे नहीं पता है तो एंजॉय करेंगे ना लोग। और आपको पता है हर आदत के अंदर है ना एक चीज होती है जो एक एंजॉयिंग फैक्टर होता है, कोई ना कोई चीज होती है जो एक इंसान को वो हैबिट बनने में वजह बनती है, एक वजह होती है जिसकी वजह से वो हैबिट के अंदर इन्वॉल्व है, इज बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग विच उसे बहुत जो एक चीज होती है जो एक तरह का इंसेंटिव होती है उसके लिए। तो हम ये देखते हैं कि ये जो पर्पस अगर एक इंसान को जिंदगी का नहीं मालूम है तो उसके लिए फॉर हिम टू कम आउट ऑफ दोज बैड हैबिट्स एक बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए एक बहुत मुश्किल काम है। और ये चीज की वजह से पर्पस ऑफ लाइफ जानना बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी भी बैड हैबिट से, कोई भी दलदल से हम बाहर निकले, तो दलदल से बाहर निकलने के लिए वी नीड टू हैव द क्लियर पर्पस इन फ्रंट ऑफ अस। जिंदगी का पर्पस हमारे आंखों के सामने होना लाजिम और जरूरी है। अब यहां पे ये बात है कि मिसाल के तौर पर कोई शख्स है जो कोई भी गलत काम कर रहा है, शराब में, क्या उसके अंदर कुछ एंटरटेनमेंट है, क्या उसके अंदर कोई चीज अच्छी लगती है इंसान को या नहीं है? कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ है कि नहीं है? हाँ, उसके अंदर लोगों को कुछ चीज मिलता है लेकिन बुरा है उनके लिए, उनके लिए वो डिस्ट्रक्टिव है, स्लो पॉइजन है, उनकी बर्बादी का फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर फेलियर है, फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रक्शन है। तो हम क्या देखते हैं कि ये चीज के अंदर लज्जत है, ड्रग्स में लज्जत है, ड्रग एडिक को लज्जत मिलती है, बादल में उसका ख्याल घूमने लगता है, उसको बहुत एक अच्छी फीलिंग आती है लेकिन बाद में गटर में मिलता है। हाँ, तो हम क्या देखते हैं कि कोई लज्जत है या नहीं है? फैक्ट ये है ना कि अगर पर्पस ऑफ लाइफ जिंदगी के सामने नहीं है ना, अगर जिंदगी में ये वाज़े पर्पस नहीं है तो ये बैड हैबिट से बाहर निकलना मुश्किल है। अब आप बोलोगे कि नहीं इसके बगैर हो, तो फैक्ट ये है ना कि अगर मीनिंगफुल बातें हमें करना है, अगर हम ऐसा चाहते हैं कि कोई ऐसी बात हम करें जिसकी वजह से कोई सचमुच अपनी जो भी बैड हैबिट हो उसको ओवरकम करे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि अपनी जिंदगी के पर्पस को सामने रखें। वो पर्पस में जो चीज उसे फेल करती है वो चीज को ओवरकम करना लाजिम है, और अगर वो पर्पस के अकॉर्डिंग कोई चीज जाती है तो उस चीज को साथ में लेकर बढ़ना है, वो हैबिट को साथ में लेकर बढ़ना है। तो बहुत जरूरी है कि पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर हो। और फैक्ट ये है ना कि अक्सर लोगों को पर्पस ऑफ लाइफ ही नहीं मालूम है दुनिया में। वो क्या बोलते हैं, लोगों का ये कहना है कि हमारी जिंदगी का मकसद है इंजॉय करना, तो इंजॉयमेंट की ये चीजें क्यों ना ले वो, व्हाई डजंट इट हैपन? देखो बहुत आसान है, लोग बोलते हैं ये छोड़ दो, ये मत करो, पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट मत करो, बट लज्जत मिलती है टाइम वेस्ट करने में, लज्जत मिलती है अपने आप को एंटरटेन करने में, तो वो लज्जत को कोई क्यों ना ले? मतलब ये सब लोग बोलते हैं, बोले मत करो बेटा, अब तुम स्टूडेंट हो, अपने आप को डिस्ट्रॉय मत करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, गलत चीजों में मत जाओ, ये चीज मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, बट व्हाट्स द रीजन? क्यों कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके सामने कोई पर्पस ही नहीं है। अगर वो पर्पस होगा तो वो उस चीज की तरफ वर्क करेगा। और फैक्ट ये ना मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम सबकी जिंदगी बेमकसद नहीं है। कोई आके आपका दरवाजा नॉक करे और आप खोलो और कोई कहे आपसे मैंने ऐसे ही नॉक किया, तो क्या कहेंगे आप? कुछ तो रॉन्ग लग रहा है, ऐसे ही कोई आके नॉक करता है? हाँ, ऐसे कोई नॉक नहीं करता है। तो फैक्ट ये है ना कि जो लोग ऐसे कर रहे हैं, जो ये समझते हैं कि हमारी जिंदगी बेमकसद है या सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, वो अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं, किसी और को नहीं खुद को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि फैक्ट ये है कि हम दुनिया में आए हैं खुद से नहीं आए, हम किसी के बनाने से आए हैं, और जिसने बनाया वो क्रिएटर, अगर हम देखते हैं क्रिएटर को तो इतना परफेक्ट क्रिएटर है, जरा यूनिवर्स की तरफ नजर तो घुमाओ। जब नजर घुमाते हैं तो हमें दिखता क्या है कि ये ऐसा यूनिवर्स है जिसके अंदर परफेक्शन है, मतलब जो कायनात है, जो सृष्टि है, जो यूनिवर्स है हमारे आसपास, जो उसके बारे में आज हमने डिस्कवर किया, देखा है,
एक एक चीज परफेक्शन है, परफेक्शन। और वो परफेक्शन की वजह से क्या है मामला मालूम है? वो परफेक्शन इस लेवल का परफेक्शन है कि अगर एक इंच अगर जमीन ऑर्बिट से आउट हो जाती, एक इंच, तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जमीन जाकर सूरज के साथ कोलाइड हो जाएगी। हम जहां पर है, जमीन जहां पर है वो बिल्कुल परफेक्ट जगह पर है। और आप देखिए कितनी सारी चीजें, जो चांद जमीन के गोल गोल, जमीन सूरज के गोल गोल, सूरज मिल्की वे में मिलियंस ऑफ स्टार्स के साथ घूम रहा है, वो हमारी गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सीज के साथ घूम रही है, वो गैलेक्सीज क्लस्टर के अंदर घूम रही है, वो क्लस्टर घूम रहा है यूनिवर्स के अंदर, फिर भी सब चीज हार्मनी में है। देख के पता चलता है कि वो क्रिएटर तो बहुत परफेक्ट है। हमारे बॉडी के आर्किटेक्चर को देख लो, उसके परफेक्शन को हम देख सकते हैं। फिर ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि वही क्रिएटर है जिसने हमारी बॉडी को बनाया, वही क्रिएटर है जिसने यूनिवर्स को बनाया, और उसी क्रिएटर के बारे में हम सोचें कि वो ऐसे बगैर मकसद इंसान को बनाता है? बगैर मकसद, कोई मकसद नहीं है। यहां पे आके लोग गलत करते हैं, सही भी करते हैं, जुल्म भी करते हैं, इंसाफ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद में क्या रिजल्ट नहीं आने वाला है? क्या अच्छों को अच्छाई का बदला नहीं मिलेगा, बुरों को बुराई की सजा नहीं मिलेगी? तो डोंट बी इन डिल्यूजन। अगर आप चाहते हो कि कोई भी बैड हैबिट को पार करें, उसके बाहर निकले, तो फिर जरूरी है पुट योर साइट ऑन द पर्पस ऑफ योर लाइफ। और पर्पस ऑफ आर लाइफ ये है कि हम सब का बनाने वाला क्रिएटर है, और हम सब दुनिया में टेस्ट के लिए है। ये टेस्ट हो रहा है, टेस्ट। ये जो शक्ल और सूरत, कोई किसी की खूबसूरत है, किसी की कम शक्ल है, कोई जो अमीर है, कोई जो गरीब है, कोई जो सेहतमंद है, कोई जो अपाहिज है, कोई जो अलग अलग तरह से सिचुएशन से जो लोग आजमाए जा रहे हैं, ये सब सिर्फ एग्जाम है। इसका रिजल्ट आने वाला है, वहां पे रिजल्ट जस्टिस वाला होगा। जिसने पहली बार बनाया वो फिर बनाएगा, और हमारा रिजल्ट आने वाला है। ये सबसे पहली बुनियादी बात है, और इस बात को ध्यान में रखते हैं। कुरान का एक वर्स है, अल्लाह ने कहा, सूरह 51 वर्स 56, सूरह ज़ारियात, वमा खलक्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया, मतलब हम बने हैं सिर्फ उसकी वर्शिप के लिए, अपनी मर्जी को उसकी मर्जी के आगे सरेंडर कर देने के लिए, सिर्फ उसके लिए डेडिकेट हो जाने के लिए। सच्ची सच्चाई, सही रास्ता करना है उसके लिए करना है, ये हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है। तो पर्पस ऑफ लाइफ को क्लियरली समझना, अपना कनेक्शन अपने क्रिएटर के साथ जोड़ना, और जो एक डायरेक्ट कनेक्शन है, हम में से एक एक का डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे क्रिएटर के साथ, जब तक ये कनेक्शन नहीं जुड़ेगा ना, वो ताकत नहीं आने वाली। सब फॉर्मूलाज मैं बताऊंगा, बट दिस इज द कार। सिर्फ कार से कार नहीं बनने वाला जब तक उसके अंदर वो फ्यूल और पेट्रोल नहीं जाए, जब तक उसका ड्राइवर ना आए। तो हम ये देखते हैं कि वो कार तक हम पहुंचेंगे, बट द फर्स्ट एंड मोस्ट फाउंडेशन वाली बात जो है वो है पर्पस। ये हो गया पहला पॉइंट। नंबर दो, जिस किसी प्रॉब्लम को हम ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस किसी बैड हैबिट को हम चाहते हैं कि हम छोड़ दें, हम एक ड्रीम देख रहे हैं कि जिस किसी हैबिट के बगैर हम जिंदगी गुजारे, ये हैबिट मेरे से छूट जाए, आई वॉन्ट माई लाइफ विदाउट दिस, आप चाहते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यू नीड टू गिव योर सेल्फ रीजन, यू नीड टू गिव योर सेल्फ रीजन। हम अपने आप को रीजन दें, वजह दें कि भाई हैबिट है, ये हैबिट गलत है, क्यों गलत है, सिगरेट क्यों गलत है, बोले क्या गलत है सिगरेट में। जब तक एक इंसान उस चीज को नहीं समझता कि क्या गलत है, तो वो हैबिट नहीं छूटने वाली। वो हैबिट सोसाइटी की वजह से छूट भी जाए तो कभी भी वापस आएगी, वो मीनिंगफुल बात नहीं है। बात यहां ये है कि वी नीड टू हैव गुड रीजन व्हाई वी वांट टू लीव एनी हैबिट। कोई चीज को छोड़ना चाहते हैं उसका बहुत वाज़ह क्लियर रीजन होना चाहिए हमारे जहन में। तो इसी वजह से वी हैव टू फीड आवर माइंड। देखो हमारे माइंड को कैसे कंट्रोल करें, वो सब्जेक्ट भी हम आज लेने वाले हैं, हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि वी नीड टू गिव आवरसेल्फ्स गुड रीजन। हमारा माइंड कोई ऐसा नहीं है कि जैसे मिसाल के तौर पे गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमाओ राइट घूम गई, लेफ्ट घुमाए लेफ्ट घूम गई, ऐसे थोड़ी घूमता है दिमाग कि भाई ओके अभी डिलीट बटन दबा दिया मैंने, अभी कंप्यूटर में ये फाइल मैंने डिलीट कर दी, अभी रिसाइकल बिन मैंने खाली कर दी, अभी ये फाइल मेरे कंप्यूटर में नहीं है, वायरस भी थी तो वायरस को भी निकाल के क्वारंटाइन में डाल दी, क्वारंटाइन खाली कर दिया, अब वो वायरस मेरे कंप्यूटर में नहीं है। ऐसे नहीं होता है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग एक इंसान का दिमाग है, ये कोई रोबोट नहीं है, ये कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, ये एक इंसान है। और इंसान का दिमाग बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसके अंदर एबिलिटीज बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसको यूज करने के अंदर हमें फीड करना पड़ेगा और हमें देना पड़ेगा गुड रीजन, गुड रीजन व्हाई दिस इज बैड। अपने आप के अंदर वो लाना होगा जो ऐसी चीज के भाई कोई अच्छी चीज अगर आपको लाना है, अपने अंदर कोई अच्छी हैबिट लाना है, तो वी शुड गेट दैट वाओ इफेक्ट, वाओ, तब जाके एक इंसान के अंदर वो हैबिट बनती है। और अगर मान लो कि कोई चीज को निकालना है तो कितनी गंदी चीज है, कर रहा है इलैकुम अल कुफ्रा वल फुसूका वल इसयान। कुरान का वर्स है सूरह 49 वर्स 7 कि कर रहा है इलैकुम, तुम्हारे अंदर वो कराहत हो, अल्लाह ने कराहत तुम्हारे अंदर डाली कुफ्र की, कुफ्रा वल फुसूका वल इसयान, कुफ्र डिसबिलीफ, फुसूक जो बैड डीड्स है, फिस्क है, गुनाहों के काम है, वल इसयान नाफरमानी ऊपर वाले की,
इसके अंदर कराहत आनी चाहिए, कराहत मतलब वी शुड हेट इट। जब तक वो हेट्रेड नहीं आएगी ना, वो बैड हैबिट नहीं निकल पाएगी। तो वो हेट्रेड लाने के लिए फीड करना पड़ेगा। वी हैव टू गिव गुड रीजंस टू आवर माइंड, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले ये करो, ये करो, पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर हो, गिव गुड रीजंस, गिव वेरी गुड रीजंस। अगर नहीं है रीजंस तो ढूंढो, रिसर्च करो, पूछो स्कॉलर से, पूछो फसलू अहल दिक्री इन कुंतुम ला तालमून, पूछो जानने वालों से अगर तुम्हें नहीं पता। बैठ के पेन लेके पेपर लेके बनाओ कि ओके आई हैव दिस प्रॉब्लम, कि मैं फला चीज करता हूं, इसके अंदर ये 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 सारे प्रॉब्लम है। इट्स सो डर्टी, अपने अंदर वो फीलिंग पता करे, इट्स सो डर्टी। जैसे गटर की कोई चीज आपको कोई कहे कि गटर के अंदर है, लेके खाओ, हाँ ये गंदी सी चीज है, इसको लगाओ अपनी बॉडी पे, पसंद करोगे, नोबडी विल लाइक इट। तो क्या है वो डर्टी फैक्टर, वो फैक्टर पैदा नहीं होगा तब तक वो बैड हैबिट को एक इंसान ओवरकम नहीं कर सकता है। बहुत जरूरी है कि गुड रीजंस होने चाहिए हमारे अंदर, बहुत अच्छे रीजंस होने चाहिए। ये हो गया पॉइंट नंबर टू। फर्स्ट पॉइंट क्या था, पी से पर्पस, प्रेशर के बगैर नहीं होने वाला। वी नीड, ऐसे हल्के फुल्के तौर से नहीं होती बैड हैबिट्स, निकलती नहीं है। हैबिट किसको बोलते हैं ना, दिमाग में जाकर अंदर बैठ चुकी होती है। और एक इंसान जब बार 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 सालों साल वक्त के साथ वो करता जाता है ना, वो उतनी स्ट्रांगली इनग्रेन हो गई होती है। फिर क्या होता है कि कोई होता है जो थोड़े दिन के लिए छोड़ भी दिया, फिर से कोई वजह से फिर से उसमें चले जाता है। तो हाउ टू कम आउट ऑफ इट, वी नीड गुड प्रेशर, उसका प्रेशर चाहिए। और फर्स्ट पॉइंट क्या है, पी से पर्पस, वाजे हो, जिंदगी का मकसद क्लियर होना। तो जिंदगी वेस्ट नहीं कर सकते, जिंदगी वेस्ट करने के लिए नहीं है, एक ही बार जीने मिलती है, एक बार जियो, सही जियो गलत जियो रिजल्ट मिलने वाला है, बस चांस मिलेंगे यहां पे, लेकिन फिर से जीने नहीं मिलेगा। नंबर दो, रीजंस, स्ट्रांग रीजंस। अब हम आते हैं नंबर तीन, यहां से अब हम गाड़ी की बात करेंगे। अभी हम वो फ्यूल एंड ड्राइव की बात किए, व्हाट इज ड्राइविंग द कार, अब हम बात करें गाड़ी भी तो चाहिए ना। और वो ये है कि सपोज कोई है जिसके पास पर्पस क्लियर हो गया, रीजन समझ गया, लेकिन अगर ये सॉल्व नहीं करता, हो सकता है इन स्पाइट ऑफ बेस्ट विशेस, चाहतों के बावजूद, गुड विशेस, वेल, अच्छी तमन्नाओं के बावजूद, हो सकता है वो नहीं निकल पाएगा। इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। नंबर तीन है, वो है एनवायरनमेंट। Environment, माहौल। देखिए होता क्या है, अब हमें जाना पड़ेगा habit बनती कैसे है, habit होती क्या है। habit क्या होती है कि कोई एक चीज एक इंसान कर रहा है, वो चीज वो habit का एक trigger होता है, trigger। वो habit शुरू क्यों होती है, वो habit होती कहां है, हर चीज का एक trigger होता है, हर habit का एक trigger होता है, अच्छी और बुरी। वो trigger के अंदर हम देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि कोई टाइम से कनेक्टेड है, सुबह सुबह उठ के ये हैबिट, कोई टाइम दोपहर में ये टाइम, खाने के बाद का टाइम, सोने से पहले का टाइम, कोई टाइम से कनेक्टेड हैबिट होती है। कभी कभार कोई हैबिट होती है जो जगह से कनेक्टेड होती है, ये जगह पे जाते हैं तो ये फीलिंग आती है, ये जगह पे जाते हैं तो ये करने का दिल चाहता है, ये जगह 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 टाइम प्लेस। किसी के लिए कभी क्या होता है कि कोई पर्सन से मिलते हैं, मैं ये दोस्त से मिलता हूँ ना, तब ये हैबिट की चाहत आती है। हाँ, जैसे कुछ लोग दोस्त मिलकर साथ में सिगरेट पीते हैं, ये इनके साथ मिलता हूँ तो ये हैबिट की ट्रिगर होता है, ट्रिगर। वो ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना होता है कि वो हैबिट आइडेंटिफाई, वो ट्रिगर कब होता है कि भाई ये टाइम से होता है, ये प्लेस से होता है, वो मूड, मूड से कभी कभार होती है कि मेरा मूड जब बहुत खुश होता हूँ ना तो ये हैबिट होती है, अकेला होता हूँ तो ये हैबिट होती है, अपसेट होता हूँ तो ये हैबिट होती है, उदास होता हूं तो ये हैबिट होती है, फ्रस्ट्रेटेड होता हूं तो ये हैबिट होती है, ये ट्रिगर। देखिए क्या होता है, जो भी हैबिट की हम बात कर रहे हैं ना, उसे ओवरकम करने की बात, तो देखना होगा उसका ट्रिगर क्या है, वो ट्रिगर क्या है उसका। तो उसका टाइम होता है, या तो टाइम होता है, हर किसी का नहीं, कोई चीज का ट्रिगर प्लेस होता है, कोई चीज का ट्रिगर मूड होता है, कोई चीज का ट्रिगर पर्सन होता है, कोई चीज का ट्रिगर कोई ऐसी चीज होती है ये एक्टिविटी के बाद, आफ्टर दिस प्रीवियस एक्टिविटी ट्रिगर होती है, ये एक्टिविटी के बाद, ये चीज करने के बाद। कि कोई मान लो मिसाल के तौर पे कोई एडिक्टेड है चाय से, बोले मैं खाना खा लो ना, मुझे चाय फिर पीने के लिए चाहिए, तो वो एक ट्रिगर उसका खाना, ये एक्टिविटी के बाद, तो वो कोई ना कोई ट्रिगर होता है। और हैबिट बनती कैसे है, एक तो चीज होती है ट्रिगर, अब वो ट्रिगर एक्टिवेट हुआ, ट्रिगर एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है कि उसके बाद एक प्रोसेस से आदमी गुजरता है जिसकी वजह से वो हैबिट पूरा करने की तरफ बढ़ता है। मिसाल के तौर पर दोस्त मिला, दोस्त के साथ वो गया
सिगरेट की दुकान पे गया, वहां जाके सिगरेट जलाया, अब ये प्रोसेस हुआ। और तीसरी चीज जो होती है वहां पर, वो चीज ये होती है कि कोई ना कोई उसे ग्रेटिफिकेशन मिलता है, कोई ना कोई उसे रिवॉर्ड जैसा मिलता है। मतलब सिगरेट पीने वाले को वो निकोटाइन उसकी ब्लड में जाता है, तो वो चीज उसे होती है, जिसको शक्कर की वो होती है, शक्कर कि भाई आई लाइक टू ईट समथिंग स्वीट, तो स्वीट टेस्ट उसका वो होता है, वो वजह से तो वो हैबिट में है। वो हैबिट में क्यों है, वो एक वजह से है जो उसका एक ग्रेटिफिकेशन है, जिस वजह से उसको कुछ फील हो रहा है। अब हम इसको डील करेंगे, तो डील करने में मालूम है हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, एनवायरनमेंट। अगर आप चाहते हो कि आप हैबिट से बाहर निकलो, तो वो एनवायरनमेंट और वो ट्रिगर से बचना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, हम वो देखते हैं, हम तीनों पार्ट में डील करेंगे। फर्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे कि जो जो ट्रिगर्स डील कर सकते हैं वो ट्रिगर्स को ही डील कर लेंगे। मिसाल के तौर पर कोई दोस्त है जो बुरी कंपनी, जिसके साथ उठते बैठते हैं तो एक इंसान सिगरेट पीने का दिल चाहता है, हम कहते हैं वो दोस्त ही नहीं मिलोगे तुम, अगर सचमुच चाहते हो कि बाहर निकलो, अगर सचमुच कर रहा है इलेकुम, तुम्हारे दिल में वो कराहत आ गई है, अगर तुम्हें अगर सचमुच चाहते हो, अगर सिर्फ नाम के भाई मैं छोड़ना चाहता हूँ बोलते हुए निकलो जिंदगी निकालो, अगर सचमुच छोड़ना चाहते हो, तो फिर तुम्हें वो एनवायरनमेंट पर ध्यान देना होगा। इसका प्रूफ क्या है, एक हदीस है सही बुखारी की, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टोरी बताई। एक शख्स था जिसने 99 मर्डर किया था, 99 मर्डर्स, और 99 मर्डर करने के बाद दिल में एक एहसास आने लगा कि मैं जिंदगी गलत जी रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, और उसके अंदर एक चाहत पैदा हुई कि मैं अपने आप को सुधारूँ, मैं सही रास्ते पर आऊँ, मैं जिंदगी एक सही तरीके से गुजारूँ। उसने जाकर एक ऐसे पर्सन से पूछा जो बहुत वर्शिप कर रहा था गॉड की, अल्लाह की, कहा कि मैं ये 99 मर्डर्स मैंने किए, क्या मेरे लिए कोई उम्मीद है? उसने कहा 99 मर्डर्स, और तुम्हें लगता है तुम्हें माफ़ किया जाएगा? कोई चांस नहीं है तुम्हारा। ये सुना उसने कि कोई चांस नहीं है, तो उसने उसका भी मर्डर कर दिया, पूरे 100 हो गए। फिर भी बाद में फिर से एहसास कि कुछ तो रास्ता मुझे मिल जाए, कोई तो रास्ता हो, फाइनली एक नॉलेजेबल पर्सन मिले उसे, और वो नॉलेजेबल पर्सन ने कहा कि नहीं, तुम्हारे लिए उम्मीद है, ऊपर वाला तुम्हें माफ़ करने तैयार है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो एहसास हो और सच्चे तौर पे एहसास है तो है उम्मीद तुम्हारे लिए। कहा कि लेकिन तुम्हें ये जगह छोड़ के जानी पड़ेगी, उस बस्ती की तरफ, वो जगह पे जाओ, वहाँ नेक लोग रहते, वहाँ अच्छे लोग रहते, उस तरफ जाओ, ये जगह छोड़ के जाना पड़ेगा। ट्रिगर्स, वो ट्रिगर थे ना उस जगह में, ट्रिगर्स थे उसके जिसकी वजह से वो मर्डरर बना, वो ट्रिगर बार बार ट्रिगर करते रहेंगे उसे, और वो मर्डरर का मर्डरर रहेगा। तुम्हें यहाँ से छोड़ के वहाँ जाना पड़ेगा, और वो जाने लगा, और दरमियान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। और फिर फाइनली क्या हुआ कि उसका वो एहसास जो था ना, इतना स्ट्रांग था, उसके अंदर जो फीलिंग थी ना, वो इतनी जेन्युइन थी, नकली नहीं थी। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, तौबा तौबा, हाँ तौबा कर रहे हैं, मतलब देर क्या कर रहे हो भाई, दिस इज नॉट तौबा, तौबा इज व्हाट दैट फीलिंग ऑफ द हार्ट। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नदम तौबा, गम ही तो तौबा होता है। एक इंसान में गम हो, ही शुड हैव रीजंस, उसके अंदर एहसास हो गया तो वो गम है, वही तो तौबा है ना, वो तो ड्राइव कर रही है, उसके बगैर कुछ नहीं चलने वाला। एनवायरनमेंट चेंज कर दो, वहां जाके भी बिगड़ेगा इंसान, लेकिन अगर उसके अंदर एहसास है और साथ में एनवायरनमेंट चेंज हो गया, उसके ट्रिगर से दूर चला गया वो, तो फिर क्या होगा, देन ही कैन चेंज। तो अभी क्या ट्रिगर्स है जिससे हम अवॉइड कर सकते हैं, उतने को अवॉइड कर देंगे, लेकिन आइडेंटिफाई करना सबसे पहली बात, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता क्या चीज ट्रिगर करती है। हम कहते हैं बी केयरफुल, अपने आप को ऑब्जर्व करो, अपने आप को देखो, होगा ट्रिगर, होगा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ट्रिगर होना जरूरी है, देखो मिलेगा तुम्हें ट्रिगर। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा पॉइंट क्या है, नंबर वन, डील विद द ट्रिगर्स, एनवायरनमेंट। अब मान लो कि जैसे कोई चीज है खाना खाने के बाद, अब क्या खाना खाना और ट्रिगर छोड़ देंगे, खाना ही नहीं खाएंगे तो कैसे जिएंगे, वो तो छोड़ ही नहीं सकते। कोई कह रहा है मैं ऑफिस में जॉब छोड़ दूंगा, क्या अगर वो जॉब ऐसा है सचमुच जो तुम्हें खराब कर रहा है, तो दूसरी चीज अगर सचमुच तुम्हारी बिगाड़ का तुम्हारे बड़ा प्रॉब्लम है, जो अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम है, और अगर सचमुच वजह ये है, यू हैव टू थिंक ऑफ समथिंग। यहां तक आके आपको पता है, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि क्या हमने देखा कि छोड़ना होता है कोई चीज को, तो क्या होता है कि कोई एक गलत चीज होती है जो बड़ी गलत चीज की तरफ ले जाती है, एक गलत चीज होती है जो ट्रिगर, एक गलत चीज यानी वो गलत दोस्त, वो गलत दोस्त के साथ उठना बैठना खुद एक गलत काम था। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रजुलु अला दीनी खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिफ, सुन्नत तिर्मिजी की सही हदीस। एक शख्स अपने दोस्त के धर्म पे होता है, उसके रिलीजन पे होता है, तो तुम में से हर किसी को देखना चाहिए किसे अपना दोस्त बनाते हो। मतलब अगर कोई है जिसका वर्शिप करता है वो अपने डिजायर्स की, कोई है जो वर्शिपर ऑफ मनी है, कोई है डिजायर ऑफ रॉन्ग थिंग्स, जो अपनी गलत चीजों को वर्शिप करता है, तो हम ये कहते हैं
कि ही हैज टू ओवरकम, और ओवरकम करने के लिए क्या करना होता है, ही हैज टू कम आउट ऑफ इट। तो एक गलत काम वो ये कर रहा था कि गलत दोस्त के साथ बैठा था, जो था जली से सू, बुरा दोस्त जो लोहार की भट्टी की तरह था, ये बैठना खुद एक गलत काम था। लेकिन यहां की वजह से उसके अंदर गाली देने की आदत आ गई। ट्रिगर, ट्रिगर क्या था उसका, वो माहौल, वो दोस्त के साथ बैठ रहा है, दोनों एक टाइप की गालियां देते हैं, मालूम है आपको। और ये सारी चीजें, ये गलत चीजें जो उसने सीखा, वो उस कंपनी से सीखा, वो खुद एक गलत काम था। तो एक गलत काम कई बार बड़े 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 गलत कामों की तरफ ले आता है, तो हम क्या कहते हैं, वो छोटा गलत काम ही छोड़ दो। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सही चीज, जायज चीज, अच्छी चीज से गलत चीज निकलती है? तो क्या ये ट्रिगर को छोड़ना है, उसमें क्या कोई जायज चीज भी छोड़ना हो सकता है? कभी परमिसेबल चीज, सही चीज को भी कभी छोड़ना पड़ सकता है या नहीं, सिर्फ गलत चीज को छोड़ना होगा? हम क्या देखते हैं कि कई बार कोई जायज चीज को भी छोड़ना होता है अगर वो नाजायज तक ले जा रही है। कि मान लो मिसाल के तौर पे कोई चीज जायज है, लेकिन वो जायज चीज को छोड़ना पड़ता है नाजायज चीज तक पहुंचने के लिए। मिसाल के तौर पर कोई एक परमिसेबल चीज आदमी कर रहा है, लेकिन वहां वो जायज चीज करने की वजह से, इंटरनेट पे जाना जायज है, जायज है, किसने कहा नाजायज है, उसका गलत इस्तेमाल नाजायज है, इंटरनेट पे जाना ही नाजायज थोड़ी है। लेकिन कोई शख्स को पता है कि मैं इंटरनेट पे जाता हूं और ये वेबसाइट पे जाता हूं, तो वहां साइड में ऐसी एड्स आती है जिसकी वजह से मेरे अंदर ट्रिगर हो जाती है, और वो ट्रिगर की वजह से अब हम कहते हैं कि तुम वो सारी वेबसाइट को अवॉइड करो जो जायज होगी वेबसाइट, लेकिन वो ट्रिगर्स वहां है। हो सकता है किसी को हम ये भी कहेंगे कि थोड़े दिनों तक जब तक तुम इस बैड हैबिट को ओवरकम ना करो, तो तब तक पूरा इंटरनेट ही छोड़ दो, ताकि तुम उस चीज को ओवरकम एक बार तो कर लो, एक बार तो उससे बाहर निकल जाओ। तो हम क्या देखते हैं कि वो ट्रिगर्स को कंट्रोल करने के लिए कभी कभार जायज चीज भी छोड़नी पड़ती है, परमिसेबल चीज भी छोड़नी पड़ती है, ताकि अपने आप को बैड हैबिट से निकालें, अपने आप को बैड हैबिट से निकालने के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि एनवायरमेंट, तो हमने क्या देखा कि कुछ ट्रिगर्स होते हैं जिसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हमारा सवाल ये था कि कभी कभार कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो कैसे छोड़ सकते हैं। बीवी है ट्रिगर कभी, हाँ, तो मान लो कि जैसे बीवी को देखकर या किसी को अपने हस्बैंड को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है, हाँ, तो फिर क्या करेंगे? या मान लो बॉस को देखकर एक ट्रिगर हो रहा है, एक फीलिंग, हाँ, तो फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग आ रही है, वो ट्रिगर हो रही है, वो हैबिट बन रही है बॉस को देखकर, तो फिर क्या करेंगे? तो हम कहते हैं कि उसके अंदर एक काम करो, क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है ना, उसको हम सही चीज में ट्रिक कर सकते हैं, कभी कभार सही चीज में ट्रिक कर सकते हैं। ट्रिगर को रहने दो, उसके बाद में जो काम करते हो ना, उसको चेंज कर दो। मतलब मिसाल के तौर पे कोई है जो खाना खाने के बाद उसके अंदर फीलिंग आती सिगरेट पीने की, तो हम कहते हैं वो ट्रिगर तो नहीं चेंज कर सकते ना, खाना तो खाना पड़ेगा, लेकिन वहां पे दिमाग को बोलना ओके मैं तुम्हें दूसरी चीज दे रहा हूं। कुछ लोग इलायची रख देते हैं मुंह में, रख दिए कुछ, ट्रिगर रहने दिए, ट्रिगर को नहीं चेंज करने की कोशिश की, उसकी जगह जो एक्शन है कुछ चेंज कर लिए। किसी के ना चाहत पैदा हो रही है, वो रोज मीठा खा खा के मोटा से मोटा होते जा रहा है, रोज इतना डोनट्स वगैरह मिठाई वगैरह खा खा के मोटा होता जा रहा है, ट्रिगर आता है खाना खाने के बाद मीठा चाहिए। हाँ, अब मीठा का ट्रिगर क्या है, वो खाना है, खाना तो खाने से हम रोक नहीं सकते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ट्रिगर के अंदर चेंज करो, मिठाई की जगह कुछ और डाल दो उधर। कभी कभार क्या है ना कि कोई बड़े नुकसान से बचने के लिए उससे छोटा नुकसान ले सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है, आप लोग बताइए सही करते हैं गलत करते हैं। सिगरेट स्मोकिंग से बचने के लिए बोलते हैं कि सिगरेट से कम लेवल की चीज गुटखा है, तो मैं गुटखा खाता हूं, इसलिए अभी मैंने वो छोड़ने के लिए ये हैबिट स्टार्ट कर दी। सही किए गलत किए, ये तो कहते हैं कि आसमान से गिरे खजूर में अटके, हाँ, तो यहाँ क्या मामला है कि अपने आप को ऐसी कोई गलत चीज में मत डाल देना जहां से उसके निकलने के लिए और एक हैबिट आ गई और एक स्ट्रगल करना पड़े, ऐसी चीज में मत फंसाना। जैसे मिसाल के तौर पे आप अगर किसी डाइटिशियन के पास जाओ, बोलो कि मुझे बहुत खाने की आदत है, मैं खाए बगैर मुझे चलता नहीं, डाइटिशियन क्या कहेगा मालूम है आपको, कहेगा ओके मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जिससे थोड़ा खा के भी तुम्हें फुल फील होने लगेगा, हेल्दी चीज होगी, हाँ, और ऐसी चीजें, हेल्दी चीजें उन्होंने लिस्ट बना के रखी है कि भाई ये चीज तुम खाओ, ये चीज खाने से उतने कैलोरीज पुट ऑन नहीं होते हैं और फीलिंग आती है हाँ खाया मैं, बल्कि वो फीलिंग जल्दी आने लगती है कि मैं खाया, मेरा स्टमक फुल हो रहा है। तो क्या होता है कि किसी की खाने की आदत है तो वो ट्रिगर के अंदर क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करके दूसरी चीज दे रहे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुम में से कोई किसी औरत की तरफ देखे और उसके दिल में कोई गलत अगर वो ख्याल आ जाए, कोई गलत तमन्ना आ जाए, तो उसे जाना चाहिए अपनी बीवी के पास, क्योंकि उसके पास है जो उसके पास है। तो हदीस सही सनद से मिलती है। यहां क्या मामला है कि अभी वो ट्रिगर था, कुछ देखकर कोई चीज आ गया ख्याल,
तो ही शुड गो टू टू दिस. उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब, ए नौजवानों, मन इस्तता मिनकुम अलबाता फलियतज़वज, तुम्हें से जिसके पास इस्तेआत है ही शुड मैरी. फ़इल्लम यस्तती, अगर इस्तेआत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, फ़अलैकुम बिस्सौम, तो तुम्हें चाहिए रोज़ा रखें. तो वो ट्रिगर है वहाँ, वो ट्रिगर के इलाज में कुछ और चीज़ दे रहे हैं, वो रोज़ा रखो. फ़इन्नहु लहू विजाउन, क्योंकि वो उसके लिए ढाल है. हाँ, मेरी उम्मत का जो कैस्ट्रेशन है, मतलब जिसकी वजह से एक इंसान के डिज़ायर्स थोड़े कंट्रोल में आते हैं, वो रोज़ा है. हाँ, तो हम क्या देखते हैं, ये सही बुखारी की हदीस है, ये ट्रिगर था उसका पॉजिटिव चेंज कर दी. पहला पॉइंट क्या था हमारा, ट्रिगर हो तो जितने ट्रिगर हट जाते हैं वही बेस्ट. सेकंड पॉइंट क्या है कि ट्रिगर के बाद का एक्शन चेंज कर डालो. माइंड को क्या लगता है कि ट्रिगर का एक्शन आया, मिसाल के तौर पे आपके दिल में चाहत आ रही है कि मैं जाकर ये खाऊं, तो जाओ निकलो, टेबल से हटो, जाओ उस तरफ, जा रहे हो, जा करके कुछ और करके आओ. जा करके अगर आपकी वाइफ होती तो आप वाइफ को फोन करके आते, अच्छा लग रहा है, या मान लो कि कोई दोस्त के साथ गपशप थोड़ी करके आ गए 5 मिनट, वो ट्रिगर की जगह कुछ और ऐसी चीज दी जिसमें थर्ड चीज जो था ना, थर्ड स्टेज, कि जिसके अंदर वो जो हैबिट है, हैबिट के अंदर फीलिंग अच्छी आती है, तो वो अच्छी फीलिंग कोई और चीज से आ जाए जो बैड हैबिट ना हो. मतलब गुड फीलिंग लेकर आओ, लेकिन एक ऐसी चीज से जो बैड हैबिट ना हो. ऑन द अदर हैंड, यहां की जो बैड हैबिट के ट्रिगर है, हम ट्रिगर को रोक रहे हैं, हम उसके एक्शन को चेंज कर रहे हैं, और क्या है, वो उसके जो ग्रेटिफिकेशन हो रहा है उसको कड़वेपन से बदल रहे हैं, उसको कड़वेपन से बदल रहे हैं. मतलब जो उसको हैप्पीनेस फील हो रही है, उसे कह रहे हैं यू हैव टू फील दैट वे, कर रहा, पूरी दिल में कराहत आनी चाहिए. ये हो गया हमारा थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट. थर्ड पॉइंट था एनवायरमेंट, और हमने फोर्थ पॉइंट भी बात किया, वो है सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूट किया हमने, वो ट्रिगर को सब्स्टिट्यूट किया. सब्स्टिट्यूट किया. फिफ्थ पॉइंट, और वो है कि बैड हैबिट्स छोड़ने के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, स्टेप बाय स्टेप. मतलब स्टेप बाय स्टेप बदतरीन किस्म की हैबिट छोड़ी जा सकती है, स्टेप बाय स्टेप बड़े से बड़े काम किए जा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बदतरीन किस्म की हैबिट भी छोड़ी जा सकती है. अगर एक ही दिन में आदमी बोले कि मैं एक ही दिन में कल पूरा चेंज हो क्या होगा, मैं आज से छोड़ दिया, कल से मैं फरिश्ता बन के जिंदगी गुजारूंगा, तो ऐसा हो सकता है ना हो. तो सही तरीका क्या है, एक ऐसा गोल रखो जो अचीवेबल हो. मिसाल के तौर पर कोई है जो मोटा होते जा रहा है, उसके कैलोरीज बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए ये कहें कि एक बार उसे मिल जाए कोई, बोले कि ऐसा करो आज से तुम्हारा डाइट पूरा पूरा चेंज, हाँ आज से तुम्हारा पूरा का पूरा डाइट चेंज, आज से तुम ये 50 चीज नहीं खाओगे और ये चीजें खाओगे. हाँ, ये एक तरीका हुआ. एक तरीका ये हुआ कि उसे कहें कि ओके, तुम अभी फर्स्ट स्टेप ये लो, फर्स्ट स्टेप ये ले लो कि तुम कम से कम ये जो खा रहे हो ना मिठाई वगैरह, इसको कट कर दिए, फिर तुम ये चीज कट करो. तो उसने एक चीज लिया, एक चीज कट किया, सब कुछ नहीं कट किया, सिर्फ एक चीज कट किया. फिर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है सेकेंड चीज की तरफ गया कि मैं बाहर कम से कम रहूंगा तब ये नहीं करूंगा, और वो छोड़ दे तो हमेशा के लिए छोड़ दे. फिर बढ़ते 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 वो स्टेज आएगा जब वो सब कुछ करेगा, तो बड़ी चीज भी क्या हो जाती है, अचीवेबल हो जाती है. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि स्टेप बाय स्टेप जाएं. हाँ, कोई अगर बहुत ही स्ट्रांग विल, सेल्फ कंट्रोल, बहुत ही मोटिवेटेड पर्सन है, जिसको पता है कि मैं रातों रात आई कैन चेंज, आई हैव दैट कंट्रोल ऑन माई सेल्फ, मेरे अंदर वो सेल्फ कंट्रोल है, तो वो करे, हम रोक नहीं रहे. लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि आदमी स्टेप बाय स्टेप जाता है. इसके अंदर एक मिसाल मैं आपको दूंगा, अरब्स जो थे वो शराब से बहुत पागलों जैसी मोहब्बत किया करते थे, और अगर आप देखोगे कि ऐसी कई सारी मिसालें हैं, जैसे 1933 से लेकर 1936 तक, 3 साल तक अमेरिका ने डिसाइड किया था कि अल्कोहल हम पूरी तरह से बैन करने वाले हैं. अमेरिका के अंदर 1933 के अंदर प्रोहिबिशन आया, और प्रोहिबिशन आने के बाद 1936 के अंदर प्रोहिबिशन हटा दिया गया. क्यों, क्या हुआ, ये हुआ कि 3 साल के अंदर इतने सारे शराबी बढ़ गए, शराब बढ़ गया, शराब का कंजम्पशन बढ़ गया. रिपोर्ट्स मौजूद है उस बारे में. कैसे बढ़ गया, वो कहते हैं कि शराब जब मना हुआ तो इलीगल लिकर बेचा जाने लगा, जो खुद खराब स्प्यूरियस क्वालिटी का होता था, जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ को और प्रॉब्लम होने लगा, और ज़्यादा लोग करने लगे, वो लोग और ज़्यादा करने लगे, इलीगल बेचा जाने लगा,
इतने सारे क्रिमिनल बढ़ गए, इतने सारी डॉन की गैंग्स आ गई, क्योंकि वो गैंग्स को पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया मिल गया, इलीगल लिकर बेचकर एक पूरा मनी का सोर्स था उनके लिए, लोगों के अंदर तलब थी और वो सप्लाई करते थे। तो हम देखते हैं पूरी तरह से फेल हो गया प्रोहिबिशन। लेकिन अगर आप गौर करो कि अरब्स जो बिल्कुल मैड लव करते थे शराब से, और इस्लाम के अंदर शराब मना है, अब जब ये प्रोहिबिशन आया, ये एक साथ में वन टाइम पे नहीं आया, ये स्टेजेस में आया। फर्स्ट स्टेज पे ये हुआ, कुरान की एक आयत आई सूरह बकरा सूरह 2 वर्स 219, वो तुम्हें शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा नुकसान है और कुछ फायदा भी है। फर्स्ट आयत ही नाजिल हुई, लोगों के जहन को ट्यून किया गया। सेकेंड चीज क्या हुई, सेकेंड चीज ये है कि आयत नाजिल हुई वला तक़रबु सलाह वअंतुम सुकारा सूरह 4 वर्स 43, कि नमाज के करीब भी मत आओ जब तुम नशे के हाल में हो। मतलब नशा करना हराम नहीं किया गया, मना नहीं किया गया, टोटल बैन नहीं किया गया, ये कहा गया नमाज के लिए आओ तो नशा करके मत आना। अब क्या हुआ कि लोग नमाज पढ़ने जब आ रहे हैं तो तब नशा नहीं कर सकते हैं, हो सकता है रात में कभी कर लें। और थर्ड स्टेज आया जब वो टोटली प्रोहिबिट हुआ, सूरह 5 वर्स 90, उसके अंदर कुरान की आयत आई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अनसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान, कि ऐ ईमान वालों शराब और जुआ, बुत परस्ती और फाल निकालना, मतलब फॉर्चून टेलिंग, रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये सब शैतान के कामों की गंदगी है। फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, इन चीज़ों से दूर रहो, अगर कामयाब होना है तो, सक्सेसफुल लोगों में बनना है तो इन चीज़ों से दूर रहो। तो जब ये वर्स नाजिल हुआ, जब ये वर्स ऑफ द कुरान का आया, कुरान पूरा एक साथ में नहीं आया, ये एक वर्स है जो लास्ट स्टेज, इसके प्रोहिबिशन के लास्ट स्टेज में आया। लेकिन जब ये वर्स ऑफ द कुरान आया, तब ये हुआ कि लोगों ने अपनी शराब के कंटेनर्स टोटली तोड़ दिए, खाली कर दिए, बहा दिए, यहाँ तक कि फिर उसके बाद कभी नहीं भरे गए। तो हम क्या देखते हैं कि स्टेजेस में चीज़ें हुई, और वो स्टेजेस के अंदर चीज़ें आसानी होती। तो यहाँ एक आदमी है जो अपनी कोई भी बैड हैबिट छोड़ना चाहता है, तो हम क्या कहते हैं कि यू फॉलो दिस बट बी रेडी फॉर स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, लेकिन डिटरमाइंड, लेकिन कमिटेड। तो यहाँ क्या मामला है, फर्स्ट स्टेज ये भी होता है कि आदमी अपने आप को उसकी गंदगी बताता रहता है, उसके अंदर गंदगी की फीलिंग पैदा करने लगता है फर्स्ट स्टेज में। फिर उसके बाद वो उस चीज को छोड़कर ग्रेजुअली कम करता है और फिर बाहर निकल जाता है। सिचुएशन डिपेंड होती है, एक पर्सन का अगर ईमान एंड डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है वो कर सकता है, और हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्टेप बाय स्टेप में इजीली अचीव हो जाता है। कमजोर सा आदमी भी अपने आप को वो चीज के अंदर कमजोर समझता है, वो भी अपनी बैड हैबिट को बहुत इजीली ओवरकम कर लेगा। तो हम देखते हैं ये है प्रेशर के अंदर स्टेप बाय स्टेप। अब आर और ई, आर ये है कि अगर गाड़ी रिवर्स गियर में आ जाए फिर से, क्योंकि हैबिट्स में क्या होता है, कभी ऐसा किसी के साथ हो जाता है, इरादा नहीं था, इरादा नहीं रखना चाहिए रिवर्स गियर का, लेकिन गाड़ी अगर रिवर्स गियर में आ गई, अगर आ गई फिर क्या होता है पता है आपको, फिर जो कुछ किए थे ना सब चीज वॉश हो जाती है। एक दिन फेल हो गया तो वो एक दिन की वजह से लोग पूरी तरह से वापस गटर में चले जाते हैं, पूरी चीज चले जाती है उनके हाथ से, पूरी रिवर्स हो जाती है, पूरी यहां तक की जो बात है वो सब के सब रिवर्स में आ जाती है। तो रिवर्स अगर हो तो क्या करेंगे आप लोग, बताइए क्या करना चाहिए, जिंदा रहने का हक है उसके लिए, जिसकी गाड़ी रिवर्स गियर में आ जाए उसके लिए जिंदा रहने का हक है कि नहीं, कौन बोलता है, हाँ फिर क्या करना चाहिए उसे, गलत हैबिट के साथ अभी रहना चाहिए, वंस अगेन डोंट गिव अप, और क्या करना चाहिए, रिवर्स गियर में गाड़ी आई क्यों, रिवर्स गियर में गाड़ी आई क्यों, आइडेंटिफाई करना कौन सा नया ट्रिगर आ गया या कौन से ट्रिगर में रिलैप्स हो गया मैं, वो आइडेंटिफाई करना और ये सोचना कि अब कैसे मैं उसमें फिर से ना गिरूं। और डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ, कि क्या होता है ना आदमी ये सोचता है कि कोई एक चीज में स्लिप हो गया ना तो वो इंतहा तक चले जाता है, फिर एक बार स्लिप हो गया तो थोड़ी अपने आप को गुंजाइश दे दो और वापस से लेके आओ। एक हदीस है, इस हदीस का मोटिव गौर करिए कि कुल इब्न आदम खता, सारे आदम की औलादों से मिस्टेक होती है, वह खैरुल खतायीन अत्तवाबून, खता करने वालों में, मिस्टेक करने वालों में सबसे अच्छे वो लोग होते हैं जो बार बार तौबा करते हैं। अब मैं आपके सामने एक ऐसी चीज बताना चाहता हूं जो मेरा एक इस पूरे टॉपिक में पूरा इंस्पिरेशन है, ये हदीस, और जो मैं आपको हदीस बताना चाहता हूं, अगर ये हदीस कोई अगर सिर्फ ये हदीस भी समझ जाए ना, ही कैन लीव एनी बैड हैबिट, जो मैं आपके सामने अभी पढ़ने वाला हूं।
ये हदीस का फर्स्ट पार्ट फेमस है, बहुत लोगों को मालूम होता है, सेकंड पार्ट ज्यादा लोगों को नहीं पता होता है। सही मुस्लिम में हदीस है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुरदुल फितन अलल कुलूब, फितने ट्रायल्स इम्तिहानात दिल पे पेश किए जाते हैं, ट्रायल्स दिल पे पेश किए जाते हैं, कल हसीर ऊदन ऊदन, चटाई जो होती है ना उसके अंदर एक के बाद एक लकड़ी होती है, उसकी तरह एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक दिल पे ट्रायल्स आते हैं। वो शख्स जो इन फितनों को कबूल कर लेता है, तो कानत नुक्तत सौदाउ फी कल्बी, उसके दिल पे काला नुक्ता आ जाता है। सुना आपने कभी? सुना है, फेमस है। वो अगर कोई गलत चीज किया, कोई गुनाह किया, उसके दिल पे काला डॉट आता है, एक्सरे स्कैन वगैरह में नहीं आएगा, सीटी स्कैन वगैरह में नहीं दिखाई देगा, लेकिन आया। और क्या होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और कहा, फमन ज्यादा ज्यादत, जैसे वो बढ़ता जाता है, करते जाता है गलत काम, वो गुनाह की चीज बढ़ती जाती है। एक और हदीस में आता है, मतलब जो गलत काम करता है तो ब्लैक डॉट्स बढ़ते जाते हैं, यहां तक कि उसका पूरा दिल काला हो जाता है। ये एक पार्ट है हदीस का। हम आगे बढ़ते हैं, हदीस यहां खत्म नहीं होती है। हदीस ये आती है, फमन अनकरहा, जो उस फितने का इंकार करता है, उसको रिजेक्ट करता है, जो ट्रायल आया था दिल पर, जो ख्याल आया था उसके दिल में, जो चाहत आई थी दिल में, उसको रिजेक्ट किया, गलत चीज को उसने रिजेक्ट किया, फमन अनकरहा, कानत नुक्तातुन बैदाउ फी कल्बिहि, उसके दिल पर एक सफेद नुक्ता आता है, उसके दिल पे एक वाइट डॉट आता है। ये वाइट डॉट वाला पार्ट बहुत लोग नहीं जानते हैं, और ये हमारे लीविंग बैड हैबिट्स के अंदर बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक इंस्पिरेशन है। क्या है वो? कानत नुक्तातुन बैदाउ फी कल्बिहि, उसके दिल पे एक सफेद नुक्ता आता है, फतुसीरु इला कल्बैनि, ये दो दिल ऐसे बढ़ते हैं जैसे दो अलग टाइप के दिल हो गए, एक काला और फिर दूसरा सफेद। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफेद नुक्ते आते जाते हैं, यहां तक आके उसका पूरा दिल सफेद हो जाता है, उसका दिल पूरा के पूरा सफेद हो जाता है। फिर फरमाया, और ये पार्ट सुनिए, अला अबियदा, जो सफेद दिल होता है, मिस्लु सफा, वो एक सफेद पत्थर की तरह होता है, स्ट्रॉन्ग पत्थर की तरह होता है, फला यदुरहु फितनतन, उससे कोई फितना नुकसान नहीं पहुंचाता, मां दामत समावत उलट, जब तक आसमान और जमीन रहेगा। मतलब मेरा पॉइंट यहां ये है, क्या हुआ, दिल पे फितना पेश हुआ, किसी ने कबूल किया, किसी ने रिजेक्ट किया, जिसने रिजेक्ट किया उसको क्या मिला, सफेद डॉट मिला, और एक फितना पेश हुआ, और एक बार रिजेक्ट किया, नहीं नहीं करूंगा, ख्याल आया ये करो ये करो, नहीं करूंगा, क्या मिला उसे, और एक वाइट डॉट मिला, और फितना पेश हुआ, और एक वाइट डॉट मिला, व्हाइट डॉट्स मिलते 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 एक स्टेज ऐसा आया कि उसका पूरा हार्ट व्हाइट हो गया, वो व्हाइट डॉट से ब्राइटनेस से फुल हो गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, अब वो अल्फाज पर गौर करिए, मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है, हम सब ने देखा है, जैसे कि मैं अभी बताऊंगा क्या देखा है, सुनिए हदीस के वर्ड ये है, फला यदुरहु फितना, तब उसे फितने नुकसान नहीं पहुंचाते, मतलब वो जो ट्रायल्स आ रहे थे ना, फितना तुरदुल फितन अलल कुलूब, फितने दिल पे पेश किए जाते हैं, उसे वो फितने भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मतलब जो ट्रायल दिल में पेश हो रहा था ना शुरू में, दिल चाहने लगता था कि करूं गलत काम, ये गलत हैबिट करूं क्या, और उसे लड़ना पड़ता था, बोले नहीं करूंगा नहीं करूंगा। अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, अब वैसा ट्रायल दिल में आ रहा है, अब वो फितना उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। आपको देखना है प्रैक्टिकली कितने सारे लोग हैं, कई गलत चीजों में थे जिंदगी में एक टाइम पर, फिर एक टाइम आया कि उन्होंने उस चीज को छोड़ने का फैसला लिया, फिर क्या हुआ, शुरू शुरू में दिल में ख्वाहिश पैदा होती थी कि मैं जाऊं करूं गलत चीज, वापस चले जाऊं, वापस चले जाऊं, वापस चले जाऊं, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। फिर एक स्टेज आ गया, अभी वो दिल पे वो ख्याल ही नहीं आता, अब उनको वो कुछ होता ही नहीं। हाँ, अब अगर कोई उन्हें कह दे, मिसाल के तौर पर अगर उन्हें ये प्रॉब्लम था कि वो फिल्में वगैरह देखा करते थे, और फिल्म्स जो है ना हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव है, कई एंगल से डिस्ट्रक्टिव है, हम वो माइंड का जब टॉपिक देखेंगे तब वो देखेंगे, तो वो फिल्म्स देखने की उसको हैबिट थी जो उसके लिए बुरी थी, ही इज एडिक्टेड टू इट, उसने छोड़ा, कहा कि नहीं मैं मीनिंगफुल चीज़ें करूँगा जिंदगी में, जिंदगी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, और एंटरटेनमेंट भी होगा तो ऐसी चीज़ होगी जो
पॉजिटिव चीज़ें हों, जो चीज़ों से दुनिया में और मुझे फ़ायदा हो, मैं ऐसी चीज़ से अपने आप को एंटरटेन करूँगा, अच्छे चीज़ों से, आई विल फील एक्साइटेड इन डूइंग गुड थिंग्स, और वो चीज़ मेरा एंटरटेनमेंट है। उसने छोड़ दिया हो गलत चीज़ को, अब छोड़ा तो शुरू शुरू में ख्याल आ रहा है कि देख लूँ, नहीं देखूँगा। अब अगर कोई उसे कहता है कि चलो एक लेटेस्ट फिल्म आई है देखने चलो, नाराज़ हो जाएगा वो, लेकिन उसके दिल में ख्याल नहीं आएगा। तो हम क्या देखते हैं कि अभी उसे वो फितने नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और यही चीज़ है कि हम सबको उस गोल की तरफ स्ट्रगल करना है इन लीविंग एनी बैड हैबिट। वो चीज़ क्या है कि वो चीज़ एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाए जहां पर एक ऐसी स्ट्रेंथ उसके अंदर पैदा हो जाए, एक ऐसा कन्विक्शन पैदा हो जाए कि उसके बाद में वो ट्रायल उसे नुकसान नहीं पहुंचाए। देन ही हैज सब्स्टिट्यूटेड इट। तो फैक्ट ये सब्स्टिट्यूशन का ये है ना कि सब्स्टिट्यूट के अंदर मैंने आपको बताया कि वो ट्रिगर को सब्स्टिट्यूट करो कोई और चीज से, फैक्ट ये है वो हैबिट को ही सब्स्टिट्यूट करो कोई और हैबिट से, अच्छी हैबिट से। बुरी हैबिट को सब्स्टिट्यूट करो अच्छी हैबिट से, बुरी हैबिट के बाद क्या करो अच्छी हैबिट पैदा करो। तो ये बहुत जरूरी चीज है, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो हम यहां ये देख रहे थे कि अगर रिवर्स हो जाए, डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ। किस एतबार से कि आदमी अगर डिप्रेशन में पहुंच गया ना, तो डिप्रेशन एक वजह है क्यों बैड हैबिट्स रहती है। हम ये कहते हैं कि ओके गलती हो गई, एक्सेप्ट करो, नज़्म तौबा गम होना चाहिए, लेकिन मायूसी नहीं होनी चाहिए। देखिए दोनों में फर्क है, एक चीज में हम हार्ड रहेंगे एक चीज में नहीं रहेंगे। वो चीज गलत है कहने में हार्ड होना चाहिए, लेकिन अब मायूस हो जाओ, अब नाउ देयर इज नो होप फॉर यू, अब तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं है, तुम ऐसे आदमी हो, तुम फेल हो गए, फेल होने के बाद फिर से खड़े होने की उम्मीद देखते हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो अपने लिए वो चीज़ ना करें और अपने साथ नेगेटिव टॉकिंग ना करें। जैसे कुछ लोग बोलते हैं अपने आप को हराते हैं, बोलते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे। अब आप खुद अपने आप को हराओगे फिर क्या होगा? उल्टा यहाँ ये होना चाहिए कि कुछ ऐसे लोगों को एनरोल कर देना चाहिए अपने घर वालों में जो सिंसियर वेल विशर्स है, जो आपको वो बैड हैबिट ओवरकम करने में मदद करें, इन्हें एनरोल करना चाहिए। लेकिन अगर आप खुद अपने आप को हराओगे फिर कौन आपकी मदद कर सकता है? तो यहाँ ये बहुत ज़रूरी बात है कि कम अप, स्टैंड अप अगेन, जब तक जिंदा हो तब तक चांस। जिंदा नहीं हो, चले गए कब्र में, नाउ योर गेम इज ओवर, अब तुम्हारा चांस खत्म हो चुका है। लेकिन जब तक जिंदा हो तब तक मौका है, जो भी बैड हैबिट है उसे ओवरकम कर सकते हो। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपका क्रिएटर है। आपके इंटेंशन सही है, आपकी नीयत सही है, आप एक अच्छे गोल को हासिल करना चाहते हैं, आप पर्पस पे फोकस्ड हो, आप सही रीजंस के लिए कर रहे हो, देन डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन। आते हैं हम लास्ट पॉइंट पर, और ये लास्ट पॉइंट है कि अगर कोई फेल हो जाए, रिवर्स हो जाए, तो उसे वो रिवर्सल को एक्सपेंसिव बनाना चाहिए। एक्सपेंसिव यानी कि कॉस्टली बनाना चाहिए, मतलब एक्सपेंसिव किस एतबार से, कुछ ऐसा होना चाहिए उसके अंदर कि देयर इज मोटिवेशन फॉर हिम कि वो फिर से ना गिरे उस चीज में। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे पेनल्टी होती है कहीं, वो पेनल्टी की वजह से एक शख्स उसके अंदर स्ट्रांग बनता है। मिसाल के तौर पर इस्लाम के अंदर एक कंसेप्ट है कफारा। कफारा यानी जैसे गुनाह है, किसी ने कसम खा ली कि मैं अल्लाह की कसम ये करूँगा। अब कई लोग होते हैं बहुत चीपली ही लेते हैं, लेकिन सही बात यह है कि अगर आपने अल्लाह की कसम खाई है और वो कसम अगर आप तोड़ रहे हो, तो कसम तोड़ने के अंदर यू हैव टू डू कफारा करना होता है। कफारा क्या होता है? कुछ कॉम्पेंसेशन में देना होता है। आप 10 गरीबों को खिलाओगे, या 10 गरीबों को कपड़े पहनाओगे, या एक गुलाम आज़ाद करोगे, और अगर तीनों नहीं कर सकते तो 3 दिन रोज़ा रखोगे। तो हम देखते हैं ये क्या है, कफारा है। अब उसे पेमेंट करना पड़ेगा, गरीबों को कम से कम खाना तो खिलाना पड़ेगा, तो पेमेंट करेगा तो क्या होगा, उसे कोई चीज़ पिंच होती है, पिंच। तो यहाँ क्या चीज़ है कि आपने एक रेजोल्यूशन बनाया, आपने इतना अच्छे से सोचा, आपने अपने पर्पस ऑफ लाइफ पे फोकस किया, यू थॉट ऑफ द रीजंस, एनवायरनमेंट की बात हमने देखे, सब चीज़ करने के बाद फिर से रिवर्स गियर हो गया, देन मेक इट एक्सपेंसिव। ऐसा नहीं कि चीपली। चीपली कैसे कि सस्ते तौर पर जब आदमी करता है ना तो वो वैल्यू नहीं करता है, तो उसे वो चीज़ अपने लिए एक्सपेंसिव बनाना चाहिए। कैसे बनाए? तो अपनी खुद की पेनल्टी रखिए। एक शख्स है, उन्होंने अपने लिए पेनल्टी ये रखी कि मैं जब भी स्लिप होऊंगा ये चीज़ में, डिपेंड्स के कितनी सीरियस चीज़ है, डिपेंड्स के कितनी सीरियस चीज़ है। तो कोई चीज़ है जिसके अंदर ऊपर वाले ने दी है पेनल्टी कि तुम्हारी ये पेनल्टी है,
लेकिन कोई चीज ऐसी होती है जिसके अंदर आदमी खुद अपने ऊपर डालता है कि मैं अगर ऐसा किया तो मेरी ये पेनल्टी, मैं 10 रुपए निकालूंगा, ये एटलीस्ट निकाल रहा हूँ, कुछ तो पिंच होना चाहिए, कुछ तो वो अपने लिए उसके अंदर पिंचिंग चीज बनाया, मैं 100 रुपए निकाल के यहाँ डालूंगा। डिपेंड्स, कोई हल्की फुल्की चीज है तो कोई बहुत सीरियस बात है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब भी ये होगा तो मैं ये चीज करूंगा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ही सेड के इत्तकुल्ला हैसुमा कुंता, जहां कहीं हो अल्लाह से डरो। वत भी सैयतल हसनता तमहुहा, कुछ गलत हो जाए तो कुछ अच्छा करो, वो अच्छाई उस गलत चीज को काटेगी। तो यहां पॉइंट क्या है हमारा, गलत कुछ हो जाए तो वी मेक इट अ पॉइंट कुछ अच्छा करें। मतलब इस एतबार से सबसे पहले सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि आदमी के अंदर एहसास हो कि आई डिड रॉन्ग, वो एहसास हो, वो एहसास के साथ गुड डीड हो। तो वो क्या है कि बैड डीड को कट करने वाली चीज एक गुड डीड होती है। तो वो गुड चीज जब करता है ना आदमी तो ब्रेक लगता है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको बता दूँ, देखिए क्या होता है ना, जब एक इंसान कोई गलत काम करता है उसकी सजाओं में से ये सजा है कि उसका दिल चाहता है कि एक और गलत करे, और वो एक और गलत करता है तो उसका दिल चाहता है एक और करूं, एक और करूं, एक और करूं, एक और करूं, यहां तक कि वो बदतरीन इंसान बन जाता है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करके बदतरीन बनता है। उसी तरह जब कोई नेकी करते हैं तो दिल चाहता है कि एक और नेकी करूं, इनामों में से ये भी इनाम है, और एक और नेकी किए तो दिल चाहता है एक और करूं, फिर एक और करूं, फिर एक और करूं, फिर एक और करूं, यहां तक कि पूरी जिंदगी नेक बन जाती है। तो यहां क्या मामला है कि जब कोई इंसान गलत किया, बाय डिफॉल्ट गलत के बाद एक और गलत आता है, नॉर्मल बाय डिफॉल्ट, जो रिवर्स गियर लगाना आप गाड़ी रिवर्स जाने शुरू हो जाती है, अब डाउन स्लाइड शुरू हो गया, अब जाके कहां पहुंचेगी खड्डे में, बाय डिफॉल्ट नीचे जा रही है ना, हमारा ब्रेक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एक्सीलरेटर से स्ट्रांग निकलना पड़ेगा तो ही निकलते हैं। बाय डिफॉल्ट एक गलत के बाद दिल चाहता है एक और गलत करूं, फिर एक और गलत करूं, फिर एक और गलत करूं, अब उसको ब्रेक लगाना है ना। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अगर कुछ गलत हो जाए ना वो क्या करो, इत्तकुल्ला हैसुमा कुंता, जहां कहीं हो अल्लाह से डरो, पहले तो ये चीज है, ऊपर वाले से डरो, उसके लिए अच्छा काम करो। वत्वी सय्यतल हसनता तंबुहा, कुछ गलत हो जाए तो अच्छा करो उसके बाद, मतलब वो गलत के बाद क्या करो, अच्छा करो, ब्रेक लगाओ, चेंज द टाइड, मतलब घुमाओ गाड़ी को वापस, रिवर्स हो रहा है तो वापस आगे सही डायरेक्शन में जाओ। ये क्या मामला है, ये चेंज करना बहुत जरूरी है। एक हदीस है सही बुखारी में, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिस्सिद्क, अलैकुम बिस्सिद्क, सच्चे बनो, सच्चे बनो, फइन अस्सिद्क यहदी इलल बिर, क्योंकि सच्चाई नेकी की तरफ ले आती है, वइन अल बिर यहदी इलल जन्ना, और नेकी जन्नत की तरफ ले आती है, वइय्याकुम वल कज़ब, झूठ से बचो, फइन अल कज़ब यहदी इलल फुजूर, क्योंकि झूठ गुनाहों की तरफ ले आते हैं, वइन अल फुजूर यहदी इलल नार, और गुनाह जहन्नम की आग की तरफ ले आते हैं, वमा यज़ालु रजुलु यस्दुकु व यतहर्रस सिदका, एक शख्स सच बोलता जाता है और सच बोलने की कोशिश करता है, मतलब कभी कभार ऐसा होता है ना, सच बोलने का मौका तो नहीं मिलता है, लेकिन कोशिश करने का मौका मिलता है कि हाँ ये होगा ना मैं तो सच बोल दूंगा, यतहर्रस सिदका, वो सच बोलता है और सच बोलने की उसकी पूरी इंटेंशन कोशिश होती है, हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि सिद्दीक, यहां तक आके अल्लाह के पास लिखा जाता है ये शख्स सिद्दीक है, सिद्दीक यानी सच्चा है, ये सच्चा इंसान है, ऊपर वाले के पास हमारा रिकॉर्ड होता है कि हम कौन हैं, और ये क्या है, हैबिट है, हैबिट, सच बोलता जाता है, मतलब क्या, उसकी हैबिट बन जाती है सच बोलना, उसकी आदत बन जाती है सच बोलना। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा यज़ालु रजुलु यक्ज़िबु, और एक शख्स झूठ बोलता है, वयतहर्रल किज़्बा, और झूठ बोलने की कोशिश करता है, मतलब कभी कभार क्या होता है झूठ बोलने मिलता नहीं है लेकिन एक इंटेंशन और कोशिश करने का मौका मिलता है कि ये होगा ना तो मैं झूठ बोल दूंगा, झूठ बोलता है वो कंटिन्यूस झूठ 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 झूठ, और झूठ बोलने का इंटेंशन और कोशिश उसकी होती है, हत्ता युक्तबा इंदल्लाहिल कज़्ज़ाब, यहां तक कि अल्लाह के पास लिखा जाता है कि ये शख्स झूठा है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इस हदीस से क्या सीख रहे हैं कि हमारी जो आदत है उसके मुताबिक हमारा स्टेटस होता है, भले ही आपके ऊपर यहाँ पे इधर नहीं लिखा होता है कि ये सिद्दीक है और ये कज़्ज़ाब है, लेकिन अल्लाह के पास, ऊपर वाले के पास, उसके रिकॉर्ड में वो चीज़ होती है, और हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अच्छी हैबिट्स क्रिएट करें। तो यहाँ बात क्या है, मेक इट एक्सपेंसिव। तो जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ, किसी ने एक फार्मूला बनाया, कहा कि एक बैड हैबिट छोड़ने का ये एक बहुत इफेक्टिव फार्मूला है, कि कोई सोचे कि मैं ये काम अगर किया तो उसके बाद मैं ये नेकी करूँगा, मैं ये नेकी जाके करूँगा, ही इज़ मेड अ रूल, मैं ये नेक काम, अच्छा काम जाके उसके बाद करूँगा, जब भी मिस हो जाएगा तब मैं जाके करूँगा, तो फिर क्या होता है कि शैतान उसके अंदर
वो चीज़ के ताल्लुक से समझता है जो उसके अंदर टेम्पटेशन आ रहा था, वो जो टेम्पटेशन के अंदर वो भी देख रहा है कि मेरा नुकसान हो रहा है, ये तो इंसान जाके और नेक काम कर रहा है, उल्टा मेरा तो नुकसान हो रहा है। तो कई बार ये भी एक वजह बन सकती है, मतलब मेक इट एक्सपेंसिव। लास्ट में सारे प्रेशर के बाद मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। आपको पता है बहुत से लोग गलत हैबिट्स छोड़ते हैं दूसरी वजह से, बीमारी हो गई तो छोड़ना पड़ा। कई सारी बीमारियां हैं जो गलत हैबिट्स की वजह से होती है, सिगरेट की वजह से कैंसर होता है मिसाल के तौर पे, कई सारे जो प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से कई सारी ऐसी डिजीजेस होती हैं। अब उसके बाद डॉक्टर ने कहा और डॉक्टर के कहने की वजह से छोड़ना पड़ा। कई लोग ऐसे होते हैं जो कब्र तक पहुंच जाते हैं, लास्ट का टाइम आता है तो उन्हें नदामत होती है, अफसोस होती है, काश मैं अपनी हैबिट छोड़ दिया होता, मेरा अकाउंट कितना ख़राब हो गया उसकी वजह से। क्योंकि अकाउंट जो होता है ना हैबिट्स की वजह से बहुत ख़राब होता है, वन टाइम प्रोसेस नहीं होता है ना, ये तो हैबिट है, परपेचुअल कंटिन्यूस ऑन गोइंग चीज़ होती है जो जिंदगी भर करता रहता है, तो जिंदगी भर उसका बहुत ख़राब हो गया अकाउंट, तो तभी छोड़ देता है। अलग अलग वजह से फाइनली मौत हो गई तो तभी तो हैबिट छूट ही गई ना। लेकिन समझदार इंसान वो है जो दुनिया के अंदर व्हाइल ही इज लिविंग वो अपनी गलत हैबिट को आइडेंटिफाई करे, और आइडेंटिफाई करके स्ट्रगल करे अपने खुद के नफ्स के खिलाफ, इरादा करे उस इरादे के साथ, उस डिटर्मिनेशन के साथ, पर्पस ऑफ लाइफ को नजर में रखते हुए, रीजंस अपने आप को फीड करके, अपने एनवायरनमेंट और माहौल को चेंज करके, और गलत चीजों की जगह अच्छी चीजें सब्स्टिट्यूट करके, अच्छी हैबिट सब्स्टिट्यूट करके, स्टेप बाय स्टेप अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। और कभी अगर रिवर्स गियर आ गया तो फिर से कम बैक करें, पॉजिटिव टॉक करें अपने साथ, अपने आप को इंकरेज करें, मोटिवेट करें, ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ें जो उसको रिवर्स गियर से बचने में और निकलने में मदद करें, और अगर हो गया तो उसे थोड़ा एक्सपेंसिव अपने लिए बनाएं ताकि वो उस चीज से बाहर निकले। फाइनली डिसीशन इज आज, क्या हम उस तरह से हमारी ग्रेव में जाना चाहते हैं या इस जिंदगी के अंदर ही हम फाइट करके उस चीज को ओवरकम करना चाहते हैं। द डिसीशन इज आज, नो वन कैन हेल्प यू इफ यू डोंट हेल्प योरसेल्फ। हम सबको खुद की जंग खुद लड़नी है, कोई हमारी जंग जाके नहीं लड़ सकता, किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते हैं कि तुम मुझे निकाल दो इस गलत हैबिट से, हमें खुद ही निकलना होगा तभी हम निकल पाएंगे। अगर किसी के पास बैड हैबिट थी और उसने उस बैड हैबिट को छोड़ दिया, स्ट्रगल किया प्रेशर के बाद, पर्पस को ध्यान में रख के, रीजंस, एनवायरनमेंट, ये सब करके फाइनली हैबिट छोड़ दी, तो क्या पिछला जो रिकॉर्ड खराब हो गया उसका क्या होगा? क्योंकि वो पिछला रिकॉर्ड पुल बैक करता है एक इंसान को, तुम इतने साल तक 99 मर्डर किए, अभी सीधा बनना है, अभी अच्छा बनना है, तो तुमने क्या किए, पिछला रिकॉर्ड तुम्हारा इतना खराब है, तुम कहां से सुधरने वाले, तुम्हें कहां अल्लाह माफ करेगा। और याद रखो, ये मायूसी एक इंसान को बैड हैबिट छोड़ने नहीं देती। जब एक इंसान ऑप्टिमिस्टिक होता है ना तो छोड़ता है, जब मायूस होता है ना तो नहीं छोड़ता है। तो ये मायूसी से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस फीलिंग। जो मायूसी होती है उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको दो बातें बताऊंगा। पहली बात ये कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु मिन अज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, कि जो गुनाहों से तौबा करता है, जो सिंसियरली रिपेंट करता है, अपने रास्ते को बदलता है, वो ऐसा है जैसे कि गुनाह उसने किया ही नहीं, जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं, जो तौबा करता है। सेकेंड बात ये है कि ये सिंसियर तौबा के लिए है, नकली वाली नहीं, असली तौबा के लिए। वॉट इज़ तौबा? तौबा इज के कोई इंसान अपना रास्ता बदल रहा है, ताबा यतूबू से आता है, जहाँ का जिसका मतलब ये होता है वो रिटर्न हो रहा है सही रास्ते पर। जो हम बॉर्न होते हैं तभी तो गलत चीज़ पे नहीं होते हैं, हम लोग क्लीन एंड प्योर बॉर्न होते हैं, अब वो वापस अपनी ओरिजिनल नेचर की तरफ वापस आ रहा है, वो रिटर्न हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक रिटर्न वाला प्रोसेस है, एक वापस रिटर्न आने का प्रोसेस है ओरिजिनल नेचर पर, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो जहाँ क्लीन एंड नीट हमारा रिकॉर्ड स्टार्ट हुआ था वहाँ पर वापस आ रहा है। तो ये चीज़ कब होती है? जब कोई सिंसियरली करता है। कई लोग क्या होते हैं ना, उनकी स्ट्रैटेजी होती है मैं गलत करूंगा और फिर मैं जाकर अल्लाह से माफ़ी मांग लूंगा, वो तो माफ़ करने वाला है, तो वो माफ़ करने वाला है, लेकिन वो जानता है कि कौन माफ़ होने लायक है और कौन नहीं है, कौन चीट कर रहा है, कौन सिंसियर है, तो ये भी वो जानता है, हमारे दिलों के हाल को जानता है, ही नोज़ एवरीथिंग। तो समझदारी इसमें यह है कि जब वो करे तो उसके अंदर पूरा इरादा हो, जैसे कि कुरान के अंदर आता है, वलम युसिरू अला मा फ़अलू वहुम यालमून, वो जानते बूझते हुए गलत चीज़ पे वापस फिर नहीं जाते। मतलब इरादा क्या कर रहा है कि आई विल नेवर गो बैक ऑन दिस, आई विल नेवर गो बैक ऑन दिस। तो जब ऐसी सिंसियरिटी के साथ तौबा हो तो वो ऐसा है जैसे कि पिछला सिन किया ही नहीं, पिछला सिन किया ही नहीं। और ये एक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अगर हमारे वो सिंस का बर्डन हमसे नहीं हट सकता है
तो एक इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है और वो डिप्रेशन की वजह से सही रास्ते पर वापस नहीं आ पाता। तो वी शुड नॉट लूज होप कि गॉड जो है ऊपर वाला जो है परफेक्ट है, और परफेक्ट में परफेक्टली मर्सीफुल भी है, परफेक्टली फॉरगिविंग भी है। इंसान कैसे होते हैं ना, एक बार माफ किए, दो बार माफ किए, तीन बार माफ किए, फिर छोड़ते नहीं है इंसान। अरे तो बार बार माफ़ करूँ, तुम तो बार बार ये करोगे, लेकिन ऊपर वाला वो है कि अगर कोई इंसान कई बार भी फिसल चुका है, वापस उसके पास आता है लेकिन कहता है अब मैं सिंसियर रहूंगा, तो ही गिव्स अस अ चांस अगेन एंड अगेन। जब तक हम जिंदा है तब तक हमारे पास चांस है, जब तक हम सिंसियरली वापस आएंगे तब तक हमारे पास चांस है। और सोशल मीडिया से बचने के लिए और लेट नाइट स्लीपिंग से बचने के ताल्लुक से हम यही कहेंगे कि एक टाइम था जब शुरू में सोशल मीडिया आया तो लोगों ने कहा कि टोटली हराम, रॉन्ग, कई लोगों ने कहा था कि भाई इसमें बहुत सी चीज़ें रॉन्ग हो रही है वगैरह वगैरह। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि यही बात कही जा रही है कि एक अपना सर्कल बना लो जो सही वाले लोगों का है, सही चीज़ों का है, वो सही चीज़ तुम बेनिफिट करो और गलत चीज़ों से बचो। तो गलत चीज़ों से बचाने का वो डिज़ायर उनके अंदर पैदा करना, रीजंस देना कि व्हाट इज़ रियली रॉन्ग, कि क्या हो रहा है कि लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लोग कई बार रॉन्ग चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि कई सारे रॉन्ग टाइप के रिलेशनशिप्स वहाँ से पैदा होती है, विच इज़ बेस्ड ऑन ओनली, हम ये देख सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जो एक शख्स मैरिज कर रहा है और इस्लाम ने यही सिखाया कि उसके अंदर, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, उसके अंदर ये सिखाया जैसे कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनन अबू दाऊद की सही हदीस है, ही सैड अला ला यखलुअन्ना रजुलुन बिइमरातिन इल्ला काना थालिथुहुमा शैतान। जब भी कोई मर्द और कोई औरत अकेले होते हैं, तीसरा वहाँ शैतान होता है। जब कोई मर्द और औरत अकेले होते हैं तो थर्ड वहाँ शैतान होता है, मतलब वहाँ पे अभी कुछ तो गड़बड़ होगी। तो अनरिलेटेड मैन एंड वुमेन अकेले हैं तो दे शुड नॉट बी टुगेदर, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे कई सारे अट्रैक्शन रखे गए हैं तो नहीं होने चाहिए। मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं कुर्सी यहीं पे पड़ी सुबह से और ये बोर्ड यहीं पे पड़ा है, दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता हमारा भी ह्यूमन रेस का, मेल्स एंड फीमेल्स, कुछ नहीं होने वाला तो ह्यूमन रेस ही कंटिन्यू नहीं होती, इंसानियत ही आगे नहीं बढ़ती। तो एक नेचुरल रखा गया है, लेकिन क्या होता है कि वो चीज़ से लोग रॉन्ग चीज़ करते हैं और रॉन्ग चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं और आज डिनायल मोड में रह रहे हैं लोग डिनायल मोड में रह रहे हैं, कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, जबकि होता है, एंड दैट्स फैक्ट, इट्स प्रूवन। इसके आपको कितने प्रूफ चाहिए कि आप देखिए कि किस तरह से, मैं ये सारी डिटेल्स नहीं एक्सपांड करना चाहता हूँ, बट फैक्ट ये है कि जब इसका एक फेस एक्सपोज किया जाए, मैंने अपना एक प्रोग्राम है फेस टू फेस जिसके अंदर मैंने सारी बातें स्टैटिस्टिक्स के साथ लाए हैं और बताए हैं जो वर्थ सीइंग है, उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आप देखिए कि इसके अंदर कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जो सोसाइटी में पैदा होते हैं, बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। लेट नाइट स्लीपिंग की हैबिट से कैसे बाहर निकले, देखिए ये होता है कि लेट नाइट स्लीपिंग की हैबिट अगर आप एनालाइज करें तो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ा और सबसे पहला प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मॉर्निंग का जो ब्लेसड टाइम है, जो अच्छा टाइम है, वो एक इंसान के हाथ से जाता है और मॉर्निंग में सबसे पहली चीज़ जो उसके हाथ से जाती है वो है फजर की नमाज, जो मॉर्निंग के अंदर सनराइज से पहले पढ़ना होता है। और सनराइज से पहले जब एक इंसान अपने सर को अपने मालिक के आगे झुकाता है, हाँ, सुबह सादिक ट्वाइलाइट के बाद, तो वो टाइम पे जब वो झुकाता है वो एक ऐसा टाइम है जिसके वजह से पूरे दिन में उसके अंदर फ्रेशनेस आती है, एक सबमिशन आता है। क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो बॉडी है जब हम इसे झुकाते हैं तो माइंड भी कंट्रोल में आता है। अब वो वजह से उसकी स्टार्ट ही बहुत बुरी हो रही है और वो फजर की नमाज, जो मॉर्निंग की नमाज, उसके हाथ से छूट जाती है और बहुत से लोगों से छूटती है जस्ट बिकॉज रात में लेट सो रहे हैं और दोनों तरफ तो कैंडल जला नहीं सकते हैं। तो हाउ डू यू कम आउट ऑफ इट, कम ऑन, लेट्स अप्लाई। सबसे पहले अपने पर्पस ऑफ लाइफ को याद रखिए, पर्पस ऑफ लाइफ को ध्यान में रखिए। जब वो देखेंगे पर्पस ऑफ लाइफ तो वो मोटिवेशन है कि आई वॉन्ट टू डू इट बिकॉज आई हैव दिस पर्पस। सेकेंड रीजन्स, मैंने दो तीन रीजन मैंशन किए, बहुत सारे रीजन्स हैं, हेल्थ के रीजन्स हैं, हेल्थ सफ़र होती है, उसके अंदर टाइम वेस्ट होता है, ज़्यादा टाइम सोकर भी आराम कम मिल पाता है और कई सारी प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं इस वजह से। तो हम ये देख रहे हैं रीजन्स, ये शॉर्ट में, लेकिन और रिसर्च करिए आपको और रीजन्स मिलेंगे। इतने रीजन्स अपने आप को दो कि माइंड कहे नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू डू इट। एक कायदा है फिक का, मा ला युतिम्मुल वाजिब इल्ला बिही फहुवा वाजिब। कंपल्सरी चीज को करने के लिए जो करना कंपल्सरी है वो करना भी कंपल्सरी हो जाता है। मतलब कोई कहे रात को सोना फर्ज थोड़ी है, फजर की नमाज पढ़ना फर्ज है, लेकिन फर्ज करने के लिए जो करना लाजिम है वो भी फर्ज हो जाता है। ये एक कायदा है, एक उसूल है। तो हम क्या देख रहे हैं कि गिव स्ट्रॉन्ग रीजंस। फिर थर्ड चीज, एनवायरनमेंट।
आप लोग बताइए एनवायरनमेंट, चलिए अप्लाई करिए रूल। एनवायरनमेंट में कन्विंस करना पड़ेगा कि आपके घर में सब लोग जागे हुए हैं, आवाजें हो रही है वगैरह, कोई भी सो नहीं पाएंगे, आपका अकेले का रेजोल्यूशन काफी नहीं है, तो आपको कन्विंस करना है फैमिली मेंबर्स को कि चलो ये चीज करेंगे। अगर परमानेंटली नहीं तैयार होते तो उन्हें कहते हैं कि थोड़ा टेम्पररी करो, देखो कितनी हेल्थ में इंप्रूवमेंट मिलेगा। हाँ, तो एनवायरनमेंट। फिर क्या है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करिए। चलिए यहां क्या ट्रिगर है, हाँ वो ट्रिगर्स को सब्स्टिट्यूट करिए। क्या चीज का ट्रिगर है, ये प्रॉब्लम जो है, ये जो हैबिट है रात में लेट सोने की, उसका एक ट्रिगर है या नहीं? रात में क्यों नींद नहीं आ रही है, क्यों आदमी नहीं सो रहा है, वो हैबिट क्यों आ रही है, तो उसके जो ट्रिगर्स है वो घर में, हाँ, पर्सन के फॉर्म में है, पीपल, लोगों के फॉर्म में है। जैसा मैंने कहा कि ट्रिगर्स कौन से होते हैं, कई सारे होते हैं, टाइम होता है, प्लेस और पर्सन, मूड, हाँ, आफ्टर अ पर्टिकुलर एक्शन। अब यहां पे पर्सन दिख रहे हैं तो अब उनको पर्सन को तो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, कि ये लोग नहीं सोएंगे, अभी दूसरे फैमिली मेंबर्स लाएंगे जो जल्दी सोने वाले फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन आपको अक्सर वैसे ही लोग मिलेंगे जो लेट सोएंगे, तो आप उनको कल्टिवेट करना होगा, समझाना होगा, उनको सुबह में उठाइए, सबको उठा दीजिए सुबह में, शाम तक नींद आ जाएगी, अब जल्दी आने लगेगी, तो कुछ ना कुछ सोचना होगा, और स्टेप बाय स्टेप। अगर आप ओवरनाइट पूरे फैमिली को बोल दें अभी यहाँ पे डिक्टेटर रूल आ गया है, अभी सब लोगों को इतने बजे सोना है, तो बच्चे थोड़ी पकड़ पकड़ के उनको बेड में डाल दो, हाँ, तो बड़ों को उनके साथ डील करना होता है, तो स्टेप बाय स्टेप शायद आप शुरू कर सकते हैं हफ्ते में एक दिन से, हाँ, संडे से शुरू कर दिया आपने कि संडे, सैटरडे रात लोग लेट सोते हैं, हम लोग सैटरडे रात जल्दी सोएंगे, एक दिन कन्विंस कर दो, एक दिन से दो दिन बढ़ा करके उसे पूरे वीक पे ले आइए, इंशाल्लाह। वेकेशन में पहले ले आओ, वेकेशन में जल्दी जल्दी सोएंगे सब लोग, देखो कैसा लगता है, सब लोगों ने किया अच्छा लगा, फिर बाद में हैबिट बन गई, स्टेप बाय स्टेप, और रिवर्स गियर हो जाए तो ख्याल रखिए, हाँ, ये हमारा किसी भी बैड हैबिट को ओवरकम करने में हमारा फॉर्मूला है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें इस बात को समझने की तौफीक दे, हमें अल्लाह गाइड अस टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स, एक्सेप्ट आवर फॉल्ट्स एंड करेक्ट देम एंड बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग्स। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई सवाल हो आपका इस फॉर्मूला के ताल्लुक से, प्रेशर वाला फॉर्मूला है, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कैन दुआ हेल्प? वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी नाइस। सिस्टर ने एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट दिया कि कैन दुआ हेल्प? यस, फॉर श्योर। जैसा मैंने आपको बताया कि आपका क्रिएटर आपके साथ है, वी हैव टू आस्क हिज हेल्प, हम उसकी मदद मांगे, दिस इज वेरी बिग फैक्टर, और ये फैक्टर हमारा इसके अंदर इंक्लूडेड है, पर्पस के अंदर, कि हमारा पर्पस है कि हम अपने क्रिएटर से कनेक्ट हो जाएं। वी आर नॉट अलोन, जैसे मैंने कहा, हम अकेले नहीं है दुनिया में, हम अकेले फाइट नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ हमारा मालिक है, ही इज देयर विद अस, हाँ, तो हमें उसके तरफ रिफर करना, ये हमारा अहम बात है। दुआ इज वेरी बिग हेल्प, दुआ इज वेरी बिग हेल्प। सर, आई हैव टू क्वेश्चंस। फर्स्ट इज, जब हम गुनाह का इरादा करते हैं और गुनाह कर नहीं पाते, तो क्या हमारे नामे अमल में उस गुनाह के बारे में लिख दिया जाता है? और जब हम नेकी करते हैं और नेकी कर नहीं पाते, क्या उसके बारे में हमारे नामे अमल में सवाब लिख दिया जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई शख्स इंटेंशन कर रहा है कोई गलत काम का, किया नहीं, तो क्या वो लिखा जाता है? तो हम देखते हैं कि हदीस में ये वर्ड्स, बहुत ब्यूटीफुल हदीस है सही बुखारी की, जिसके अंदर आता है कि अगर कोई शख्स इंटेंड करता है कि वो गलत काम करेगा, क्योंकि जब हैबिट छोड़ते हैं ना, वो प्रोसेस के अंदर कई बार ये ख्याल आता है, अरे फिर से करो, फिर से करो, फिर से करो, और शैतान ये कहता है, दिल में ख्याल आता है कि हाँ तुमने सोचे ना गलत करने का, सोचे क्यों, तुम्हारे दिल में ख्याल क्यों आया, अपने आप को बहुत पकड़ते हैं, हाँ अब सोचे ना, अब कर लो, अब सोचे क्यों, तुमने सोचना ही चाहिए था, सोचे क्यों। अब सोचने के ताल्लुक से हम लोग अपना जब टॉपिक देखेंगे, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, तो उसमें हम उसकी बहुत बड़ी सीक्रेट देखने वाले हैं, लेकिन वहां पे आने से पहले अब यहाँ पे ये देखें कि ये जो ख्याल है इसकी पकड़ नहीं है, हमारा क्रिएटर बहुत मर्सीफुल है, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब कोई एक शख्स इंटेंट करता है कि गलत काम करेगा और वो नहीं करता, तो उसके लिए वन रिवॉर्ड लिखा जाता है, कि तुम्हारे दिल में ख्याल आया फिर भी तुमने नहीं किया, एक रिवॉर्ड लिखा जाता है, और जो हदीस मैंने आपको बताया उसके अंदर क्या आता है, उसके दिल में ख्याल आया फिर भी नहीं किया, वाइट डॉट, फमन अनकरहा कानत नुक्तातुन बैदाउ फी कल्बी, जो उस चीज को रिजेक्ट करता है उसके दिल पे एक सफेद नुक्ता आता है, सफेद नुक्ता, वाइट डॉट आता है, तो ये वाइट डॉट वाली बात क्या है, वो वाइट डॉट्स बढ़ते जाते हैं यहां तक आके फाइनली दिल वाइट हो जाता है और वो दिल पर असर नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ख्याल आया ना
वो ख्याल आपको रिवॉर्ड ही देके आएगा, उसको रिजेक्ट करना है। और ये ख्याल को बिल्कुल रिजेक्ट करना है, कौन सा ख्याल, कि गलत चीज़ ख्याल में आए अब तुम्हें करना पड़ेगा, अब तो कर लो, तुमने सोचे क्यों। तो वहाँ पर वो चीज़ की पकड़ नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, बल्कि उसके अंदर अवार्ड मिलने का चांस है जब हम उसको रिजेक्ट करेंगे। ओके, अब उसका जो फर्स्ट पार्ट जो आपने कहा कि जब कोई अच्छी चीज़ का इंटेंशन करता है, और यहाँ पे बहुत अहम बात है जो मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप, इसके अंदर एक स्टेप ये होता है कि आदमी गलत चीज़ से निकला नहीं है लेकिन इंटेंशन कर रहा है कि हाँ मैं गलत से निकलना चाहता हूँ, मतलब इंटेंशन से चीज़ शुरू होती है। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने कहा कि जब कोई शख्स एक अच्छा काम करने का इंटेंशन करता है उसके लिए एक गुड डीड लिखा जाता है, इंटेंट किया बस, किया नहीं। जैसे कोई अगर गुजर रहा है पहाड़ के पास से, उसने सोचा कि मैं ये पहाड़ सोने का होता, मेरा होता, पूरा के पूरा पहाड़ अच्छे कामों में खर्च कर देता, तो क्या हुआ, ये इंटेंशन कर दिया उसने, उसको वो एक रिवॉर्ड तो मिल गया। ये है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग कि आदमी बैठकर अच्छे अच्छे ख्याल सोचे तो उसके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, और ये इसका बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेप्स में कई बार क्या होता है कि एक आदमी गलत चीज में होता है लेकिन उसके अंदर वो इंटेंशन बिल्ड कर रहा है। कितने सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो रॉन्ग प्रोफेशन में थे, और इंटेंशन था उनका कि नहीं मैं बाहर निकलूँ, बाहर निकलूँ, बाहर निकलूँ, वो इंटेंशन जाके मटीरियलाइज हुआ, और अगर वो इंटेंशन ही नहीं होता तो वो कर भी नहीं पाते। तो बुराई का इरादा किया था मगर उसको मौका नहीं मिला करने का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बुराई का इरादा किया था, मौका नहीं मिला। जैसे कोई चोर ने इंटेंशन किया था कि मैं बैंक को लूटूंगा लेकिन मौका नहीं मिला, या जा रहा था टायर पंक्चर हो गया और वो बैंक में रॉबरी नहीं कर सका लेकिन इंटेंशन था। अब ये मामला अलग है, ये मामला कैसा है, ये वो मामला नहीं है कि आदमी के दिल में गलत ख्याल आया और उसने उस गलत ख्याल पे अमल नहीं किया, एक्ट नहीं किया, उसको तो एक रिवॉर्ड मिला। अब ये चोर को एक रिवॉर्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, उसने नहीं किया ना, उसके दिल में ख्याल आया चोरी करो, फिर फाइनली चोरी किया नहीं किया, उसको इनाम मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। दो तीन लोग बोल रहे, नहीं, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, हाँ क्यों नहीं मिलेगा। आया ना कि जब गलत चीज़ इंटेंशन करो फिर नहीं करो तो एक रिवॉर्ड मिलता है ना, तो चोर को एक रिवॉर्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने जो नहीं किया वो इसलिए नहीं किया कि नहीं कि मैं नहीं करूँगा, नहीं रॉन्ग गलत ख्याल है, चोर के दिल में ख्याल आ जाए अगर कि तुम चोरी करो और वो चोर सुधरना चाहता है, वो कहेगा नहीं नहीं करूँगा चोरी, हाँ तो मिलेगा। अब दोनों चोर में फ़र्क है ना, पहला चोर जो अपने आप को सुधारना चाहता है और बोला है नहीं करूँगा, उसका मामला अलग है, वो जो करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया तो उसका मामला अलग है। तो वी शुड बी क्लियर कि वैसे इंटेंशन की पकड़ है, अगर इंटेंशन पे आदमी कर रहा है, बढ़ रहा है आगे, और नहीं कर पाया कद्र की वजह से, डेस्टिनी की वजह से, या कुछ उसके हाथ में कंट्रोल में नहीं रही चीज़। अगर किसी के पास बुराइयों का अंबार है, बहुत पहाड़ के पहाड़ में किया है, और अगर वो तौबा करे तो क्या उसकी बैड डीड्स गुड डीड में कन्वर्ट होते हैं? तो हम ये देखते हैं कि आप ही गौर करिए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लव अख्ता तुम हत्ता तब लुगा खतोया को में समय, अगर तुम खता करो, मिस्टेक्स करो इतनी के तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुँचे, तुम फताबा अलैकुम, फिर तुम अगर तौबा करो, अल्लाह से सिंसियर माफ़ी मांगो तो अल्लाह तुम्हें माफ़ करेगा। तो ये माफ़ करने के ताल्लुक से मायूस नहीं होना है कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा गुनाह है मैं नहीं कर सकता, मतलब सिंसियर तौबा हो तो। जहाँ तक ये सवाल है कि क्या बैड डीज गुड डीज में कन्वर्ट होते हैं, तो हम देखते हैं कभी कभार जो तौबा होती है वो इतनी सिंसियर और स्ट्रांग होती है, इतना बड़ा उसके अंदर रेजोल्यूशन होता है कि उसके वो गुड डीड्स इतने सारे होते हैं कि जैसे कि वो बैड जैसे गुड में कन्वर्ट हो गए, मतलब इतना बड़ा गुड डीड उसके लिए आ गया। लेकिन वो केस टू केस डिपेंड होता है कि कोई सोचे मैं और थोड़े गुनाह करूँगा ताकि तौबा करके मेरे गुनाह गुड डीड में कन्वर्ट होंगे, वो गुनाह नहीं कन्वर्ट हो रहे, वो तौबा का पावर है जो वो गुड डीड उसके पास आ रहा है, जो इट्स लाइक अ माउंटेन सब्स्टिट्यूटिंग दैट माउंटेन, गुड डीड का माउंटेन। जी चलिए, कोई और सवाल अबाउट चेंजिंग लिविंग एनी बैड हैबिट? जी जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि हम लोग को एहसास ही कैसे आए कि बैड हैबिट्स चेंज करने का, क्या सच्ची तौबा का एहसास वही कैसे है? दुआ भी करते हैं, कोशिश भी, पर वो एहसास ही नहीं आता सिंसियर वाला, तब क्या करें? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम यहाँ पर चार्ट पे आएंगे कि अगर किसी के अंदर एहसास नहीं आ रहा है, एहसास फीलिंग कि मैं छोड़ूं, हाँ नहीं आ रहा है, तो वो कहाँ पर है चार्ट में, कहाँ पे है, कौन से स्टेप पे है वो?
उसे ये गौर करना है, पर्पस ऑफ लाइफ पे गौर करना है, और फिर ये स्टेज पर है वो रीजंस, मतलब रीजंस पे बहुत स्ट्रांगली वर्क करना चाहिए, वेरी स्ट्रांगली वर्क करना चाहिए, और वो क्रिएट करने की कोशिश करे, क्रिएट करने की कोशिश करे रीजंस, पुट डाउन करे इंफॉर्मेशन और मटेरियल, सुने उस मटेरियल पे, देखे उस टॉपिक पे, रिसर्च करे, रीड करे मोटिवेटिंग मटेरियल कुरान के बारे में, जब आदमी पढ़ता है तो उसके अंदर एहसास आते हैं, फीलिंग्स आते हैं, तो वो ऐसी चीज पढ़े जिससे कि उसके अंदर फीलिंग आ जाए, और वो फीलिंग की वजह से वो अपने अंदर सेल्फ चेंज की तरफ बढ़े आगे। और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं ऐसे लोग जो बुराई से अच्छाई की तरफ बढ़े, अगर आप देखने जाओगे तो वो जो 99 मर्डर वाला पर्सन है ना, वो भी एक सक्सेस स्टोरी है। क्यों? क्योंकि वो उतने मर्डर्स के बाद उसके अंदर रियली था एहसास, और वो एहसास की वजह से उसने जो कोशिश की उसे रास्ता मिला, और वो रास्ते पर जाना भी शुरू कर दिया था, भले ही नहीं पहुंचा, हो सकता है और 25 साल आगे जीता तो बहुत बड़ा नेक आदमी बन के बहुत सारे बड़े काम किया होता जो हमें नहीं दिख रहे आज, लेकिन वो सक्सेस स्टोरी है क्योंकि उसके अंदर वो रेजोल्यूशन था, वो तौबा थी, उसके अंदर एहसास था रियली। तो वी शुड ट्राई टू ब्रिंग दोज रीजंस इन अस, और उस पर वर्क करना चाहिए, अपने आप को पॉजिटिव स्टिमुलस देना चाहिए। हम इंसान जो होते हैं ना, माहौल का असर हम पे पड़ता है, हमारे सराउंडिंग्स का असर पड़ता है, एंड ये रियलाइजेशन एक इतनी बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से एक इंसान के अंदर रियली चेंज नहीं आ सकता है जब वो रॉन्ग माहौल के अंदर है। हालांकि ये होता है कि वो चेंज के बाद फर्स्ट फीलिंग आ गई तो वो उससे बाहर निकल के दूसरी तरफ जा सकता है, लेकिन वो फीलिंग आना बहुत बड़ी चीज़ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। एक्चुअली दिस टॉपिक इज हाउ टू ओवरकम फ्रॉम बैड डीड्स। ओके, माय क्वेश्चन इज हाउ टू प्रोटेक्ट आवर गुड डीड्स। सवाल ये है कि यहाँ पे सिस्टर ने सवाल ये पूछा है कि ये टॉपिक हमारा जो आज देख रहे हैं, हाउ टू कम आउट ऑफ बैड हैबिट्स, अब हाउ टू क्रिएट गुड हैबिट्स या गुड डीड्स, आपका सवाल क्या है? हाउ टू प्रोटेक्ट गुड डीड्स, हाउ टू प्रोटेक्ट योर गुड डीड्स, ये वास्ट टॉपिक है, और इसके अंदर हम ये देखें कि सबसे पहले पॉइंट ये होगा जो हमारे टॉपिक से बहुत कनेक्टेड है, प्रोटेक्ट योर गुड हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स को प्रोटेक्ट करें। अच्छी हैबिट कोई है, वो हैबिट क्या है? हमें गुड डीड देने वाला सोर्स है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा था ये गोल्डन गूज है जो सोने का अंडा दे रहा है, कंटिन्यूस हैबिट, तो वो हैबिट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें उस हैबिट को टूटने नहीं देना चाहिए। अब आप कोई दिन बहुत बिजी हो, आपने इंटेंड किया कि मैं रोज़ थोड़ा सा कुरान पढ़ूँ, इतना पढ़ूंगा, और पढ़ने के बाद पढ़ रहे हो रेगुलर, फिर एक दिन आता है आप बहुत बिजी हो, बहुत सारे काम हैं, अब डिफिकल्ट हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे आप? अब ये एक दिन छोड़े तो वो एक दिन ही छोड़े, आपने गोल्डन गूस को छोड़ दिया, अब वो अंडे पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो मिलेंगे जो ऐसे ही अंडे मिल रहे थे। तो हम क्या देख रहे हैं कि वो गुड हैबिट्स को प्रोटेक्ट करके आदमी अपने गुड डीड्स को प्रोटेक्ट करता है। दूसरी बात ये है कि गुड डीड्स जो हमारे अकाउंट में आ जाएं, कई बार कई एक्शन से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो कई चीज़ों की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। किन चीज़ों की वजह से? शो ऑफ की वजह से बर्बाद होते हैं, कि जैसा मान लो कि कोई अच्छा काम किया, ऊपर वाले के लिए किया, अल्लाह के लिए किया, लेकिन फिर लोगों को कहे देखो मैंने ये काम किया। कई बार ऐसा होता है काम से पहले, काम के दौरान, काम के बाद, कई कभी भी उसका इंटेंशन खराब हो जाता है। काम करते टाइम पे अच्छी नीयत थी, अब काम कर लिया उसने तो उसने सोचा कि मैं ज़रा थोड़ा लोगों को भी दिखा दूँ कि मैंने ये अच्छा काम किया है, और जहाँ वो लोगों को दिखाता है तो वहाँ पर उसका इंटेंशन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। अब वो चीज़ के अंदर वो ऊपर वाले के लिए नहीं, बस दिखाने के लिए कर रहा है, और दिखावे वाली चीज़ लास्ट नहीं होती है, वो दिखावे वाली चीज़ अकाउंट में नहीं आती है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शिर्कुल असगर है, ये छोटा शिर्क है, शिर्क यानी जॉइनिंग पार्टनर्स विद गॉड, ये छोटा शिर्क है, और यहाँ तक कहा कि इन्नल्लाहा तय्यिब ला यक़बलु इल्ला तय्यिब, अल्लाह पाक है और सिर्फ पाक चीज़ कबूल करता है, प्योर चीज़ कबूल करता है। इसमें प्योरिटी में प्रॉब्लम आ गया, अल्लाह वही एक्शन कबूल करता है जो सिर्फ उसके लिए है। अब ये सिर्फ उसके लिए नहीं रहा एंड काम रिजेक्ट हो रहा है। थर्ड एक और चीज़ है कि मान लो कि कोई शख्स ये तो मान रहा है कि ऊपर वाला है, लेकिन साथ साथ में वो ये सोच रहा है कि मैं अपनी वर्शिप, अपनी श्रद्धा, अपनी वर्शिप, अपनी उपासना, अपनी इबादत मैं अल्लाह के अलावा इनके लिए भी करूँ, इनके लिए भी करूँ, इनके लिए भी करूँ। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो टोटली प्रोहिबिटेड है। क्यों? क्योंकि किसी और ने कुछ दिया ही नहीं, देने वाला तो एक ही है, उसी ने हमें बनाया, उसी ने सब कुछ दिया, तो हम उसी के लिए अपनी सारी इबादत रखें, यही होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो इबादत है, चाहे वो दिल की हो, जुबान की हो, हाथों की हो, सिर्फ उसी के लिए है। अब आप सोचो कि कोई एक पर्सन हो जिसका एक बॉस है,
और एक पर्सन है जिसके 10-10 बॉस हो, 10, जिसका एक बॉस है उसको एक बॉस की बात सुनना है, और जिसके 10-10 बॉस है उसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की बात सुननी है। दोनों में से किसके पास सुकून होगा? क्या होता है ना, एक की बात सुन रहे हैं आप, एक मालिक के क्रिएशन हो, आपकी सारी वर्शिप उसके लिए, वो आपसे खुश है आपका काम बन जाएगा, वो आपसे खुश नहीं आपका सब काम फेल हो गया, दुनिया खुश हो वो खुश नहीं है कोई फायदा नहीं, डू इट फॉर हिम। लेकिन ये शख्स है जिसके 10 बॉसेज है, अब उसने एक को खुश किया, दूसरे को खुश किया, तीसरे को खुश किया, चौथे को खुश किया, पांचवा नाराज हो गया, तो हम देखते हैं उसके ऊपर बहुत स्ट्रेस है। हमारी वर्शिप का भी यही मामला होता है, मामला ये होता है कि लोग एक की वर्शिप किए, दूसरे की किए, तीसरे की किए, चौथे की किए, पांचवे की किए, छठा नाराज हो गया, सातवें ने काम बिगाड़ दिया। तो यहाँ क्या मामला है कि ये जो चीज़ है इसके अंदर वो सुकून नहीं है, और वो डीड जो है डिस्ट्रॉय होते हैं हमारे। क्यों? क्योंकि वो डीड जो सिर्फ उसके लिए नहीं किया जाए ना, वो कबूल नहीं होते। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, सूरह फोस 48, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरिका बिह, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो, पार्टिसिपेट करो, उसके साथ किसी को ज्वाइन कर दो। मतलब इंसानों का जो मालिक है वो एक मालिक सारे इंसानों का है, उस एक के अलावा अगर हम उसके साथ किसी और को भी कनेक्ट करेंगे तो ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो वो माफ़ नहीं करेगा। मतलब ये एक ऐसी टाइप की गद्दारी उसके खिलाफ जो वो फॉरगिव नहीं करने वाला। उसने क्लियरली कहा इंसान के नेचर में ये चीज़ मौजूद है। हम इससे कोई भी ये बात को समझ सकता है कि भाई एक बॉस की बात हो, एक को खुश करो, तुम्हारे पास पीस ऑफ माइंड भी है, तुम सक्सेसफुल भी हो। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको शॉर्ट में बताई, बाकी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जो हमें यकीनन स्टडी करना चाहिए।